सर वो मेरा फ्रेंड आ रहा है, आप अगर वो बैक स्टेज पे तो उसे प्लीज ऐड कर देना। किस नाम से आएंगे? अनिल नाम है उसका। ठीक है, मैं उनके लिए लिंक एक बार और पेस्ट कर देता हूँ और उनसे आग्रह करिए कि वो आए। ओके सर। जी सर हेलो। जी सर हाँ जी, बोलने का मौका बिल्कुल आवाज़ दोगे? दे, ये बिल्कुल मेरा देंगे सर, फ्रेंड क्यों नहीं। और एक चीज़ मैं बताऊं आप अनिल ही जी, बोल अनिल जा रहे जी, हो तब से। अनिल जी, हाँ अनिल जी, जी, दोगे नहीं होगा, देंगे ये होगा। मैं नहीं जानता कि आप कहाँ से हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा भाषिक मैं शाब्दिक हरियाणा से मर्यादा हूँ बना सर। के रखेंगे, तो आपकी भी शाब्दिक मैं मर्यादा हरियाणा हम हरियाणा रखेंगे। से हूँ सर। कोई बात नहीं, सर हरियाणा अच्छी से बात हूँ है, मैं। आप हाँ जहाँ से भी हैं। ठीक है सर, ठीक है। सर। थोड़ी ठेठ भाषा है आपकी, लेकिन थोड़ा सा उसमें रस सर घोल मैं लेंगे अभी तो बोलूँ चर्चा कुछ? काफ़ी अच्छी रहेगी। बिल्कुल, आपकी हरियाणा वाले से हाँ मुलाकात सर करवा क्या देते करें, हैं। अभी खाना पीना वैसा ही है, दूध दही का खाना है वहाँ का, पता है आपको, भाषा भी वैसी है, लोग भी वैसे हाँ, ही हम हैं, लोग तो घास खाते हैं इधर, यूपी बिहार में तो क्वालिटी घास खाते हैं। में डिफरेंस आपकी आवाज़ कट रही है सर, आवाज़ कट रही है सर। सर। अपना, वो मैंने बताया था ना, ये है मेरे हाँ फ्रेंड। ठीक है, ठीक है बहन, मेरी बात, आपने बताया था। मेरी बात सुनिए, मेरी बात हाँ सुनिए। हाँ बताओ आप ये जी, बोलते हो बताओ कि हाँ ये भगवान थे, आप मानते हो भगवान थे? मैं क्या कह रहा हूँ, आप ना। मानते हो राम कृष्ण या फिर आपके कोई इंद्र देवता, पवन देवता, अग्नि देवता कभी भी प्रकट हुए या फिर कभी उनका अस्तित्व रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मानते हो? देखिए मैं आपको बता दूं आप कि मैं मानते हो क्या मानता हूं, भगवान कभी मेरी बात पैदा सुन हुए लीजिए ना, धरती पर? आप मेरी मानते बात तो हो? सुन लीजिए, मैं क्या आपने कह रहा हूँ प्रश्न सर, मैं कर सिर्फ दिया ना। आपसे स्पष्ट पूछ रहा हूँ, हाँ या ना में। हाँ नहीं सुन तो ले। नहीं बहन, आप शांत रहें, हाँ बोलिए प्रभु सर। ओके आपने प्रश्न कर दिया, अब मेरा उत्तर देने का बारी है, तो ध्यान हाँ रखें, सुने। हाँ बिल्कुल मानते हो बिल्कुल मानते बिल्कुल हो, बिल्कुल, ऐसा नहीं बोलिए चलेगा, बोलिए। वरना हम भी ऐसे ही पूछ देंगे तो फिर हाँ नहीं आपको बोलिए। मुश्किल हो जाएगा। देखिए अरे नहीं सर, कोई क्या मानता मुश्किल है, और टाइम हाँ बताएगा, मैं अभी बताता हूँ, अभी अभी तो आए मुश्किल हैं नहीं, आएगा, किसको अभी मुश्किल अभी होगा। आने वाला है, मुश्किल आने वाला है अभी। फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ देखते कि कोई क्या मानेगा हैं हाँ नहीं मानेगा, ये हाँ उसका हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, संवैधानिक राइट है। अगर आज की नहीं तारीख में अभी अगर आप तो वो तो अभी हुआ संवैधानिक ना, रूप से मान, 1947 के बाद, बीच में ना टोकें, 1947 के बाद आपको बीच ये में ना टोकें, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ल्ड। बीच में ना टोकें, बीच में ना टोकें, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा तो आप मेरे बीच में भी ना बोलें। ओके मैं ओके कह ओके रहा ओके ओके हूँ बोलिए। कि हम क्या मानते हैं नहीं मानते हैं, ये हमारे स्वविवेक पर निर्भर करता है। हमारे यहाँ किसी चीज़ को मानने की बाध्यता नहीं है। ये क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि बहुत सारे लोग वेदों को ही प्राइमरी रिसोर्स मानते हैं, यानी कि वेदों को ही प्रथम प्रमाण मानते हैं बहुत सारे लोग। किस चीज का प्रथम प्रमाण कौन मानता है, किस चीज का प्रथम प्रमाण, और क्या है वेदों में, क्या है वेदों में? कचरे के ढेर में फेंकने के सिवा कुछ भी नहीं उन्होंने। इंद्र भगवान को प्रकट करो, देवी देवताओं को प्रसन्न करो, उसके मंत्र लिखे हुए हैं, क्या बकवास है ये? तुम इंद्र कोई डिसरिस्पेक्ट भगवान मत है? करो, शांति से एक्चुअल में क्या था ना, बोलो आदि मानव टाइप में उनमें दिमाग नहीं था, सुनो मेरी बात, मेरी बात, उनमें दिमाग नहीं था, उनको नहीं पता था कि बारिश कैसे होती है। उन्होंने ऊपर देखा, यार क्या है, कोई तो होगा ऊपर से कर रहा है, उसको बारिश हुई, उसकी फसलें हुई, ठीक है, उसकी फसलें बर्बाद हो गई, उसके घर उजड़ गए, उसने डरना शुरू कर दिया, समझ रहे हो? तो उसने उसको, भैया। ये स्टीफन हॉकिंस की डिस्कवरी वीडियो मत नहीं नहीं देखना। रुक पता जाइए होगा, आपने पढ़ा होगा, नहीं, बीच में नहीं, बीच इंद्र में का, नहीं। वरुण का, अरुण का, और एक सूर्य का, है ना, बाकी को राम कृष्ण ये वो कोई नहीं, क्योंकि पहले इंसान डर के 10 6 10 नहीं नटराज जी, गुस्सा मत करिएगा, बिल्कुल तो गुस्सा मत करिएगा, इतनी उसको आज तक बार कोई पढ़ नहीं पाया, अभी भी नहीं पढ़ी इश्यू गई, दे वो दीजिए ना जस्ट नटराज चार जी, चार साल पहले लिखी बोलने है, दीजिए, चुप हो जा, जस्ट चार चार दूसरों की साल सुन पहले ले। लिखी है, और आपके 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 जो करोड़ नटराज साल जी जिया वो इतने लाख साल, बिल्कुल ये गुस्सा ना सतयुग हो, इतने लाख साल तक, क्या बकवास है ये? ये और अभी नहीं अभी नहीं दूसरी संभाल, चीज अभी सुनो, सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। और ये क्या है, जी आर्यन जी तो खुद सुना विदेशी दो है कौन। भाई, आर्यन मतलब कौन, जो आज के ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, हाँ वैश्य लगा लूं, हाँ ठीक है, जो तीन वर्णी, तो ये हर बुक में इसका प्रमाण है, इसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, इसको डीएनए तक प्रूफ हो बताइए चुका है इस चीज बताइए, का।
ये मैं नहीं कह रहा, ये 2018 की रिपोर्ट है, ये डीएनए रिपोर्ट पढ़ लो आप जाके, और ये ललन टॉप के और यूट्यूब पे हर जगह पड़ी हुई है। दूसरी चीज, सर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो आप, रिपोर्ट इतनी खतरनाक है कि आपके अनिल कुमार जी, हावड़ा का एक्सप्रेस का चल रहा है यहाँ पे, आप चर्चा करने आए हो तो डिबेट अगर आप करने आए हो, अगर आप डिस्कशन करने आए हो तो थोड़ा डिसिप्लिन में रहो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही बोलोगे और आप ही बोल के निकल जाओगे। आप हमसे सवाल कर रहे हो लेकिन सुनने का सामर्थ्य नहीं है, बस पक 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 कर दी और हो गया। पक पक नहीं कर रहा मैं, एविडेंस की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनो। कौन सा एविडेंस दिखा दिया? एक मिनट, कौन सा एविडेंस दिखा दिया? एक भी एविडेंस दिखाया आपने? किस चीज का एविडेंस? आपको आपको नहीं पता डीएनए थ्योरी? मैं कह रहा हूँ, आपको आपके आपके ही अनिल कुमार, आपके ही अनिल कुमार, अनिल कुमार, हाँ बोलिए यार, ऐसे चर्चा नहीं होती है। कभी डिबेट में गए? आप बताओ ना, पहली बार यही आ गए तो आपने बोला मेरे को, आपने बोला मेरे को, आप बोलो, जब मैं बोल रहा हूँ तो आप बीच में टोक रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, मेरी बात सुनो, रहे बीच में आप मेरे को अपनी बात कंप्लीट नहीं करने दे रहे, आप अपनी अपनी काल्पनिक चीजें गा रहे हो, ये था वो था, क्या है? कंप्लीट कर लेंगे कितनी देर में? आप अपनी बात कंप्लीट कर लेंगे कितनी देर? एक घंटा लगेगा मेरे को, एक घंटा लगेगा, ठीक है, दो मिनट से ज्यादा नहीं। नहीं एक घंटा, आप ऐसे बोल रहे हो, आप ऐसे बोल रहे हो, बोलो आप, आप बोलो यार, मैं कह रहा हूँ आप बोलो, एक घंटा आप बोल लीजिए फिर एक घंटा मैं बोलूंगा, ये डिबेट नहीं, नहीं 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 एक काम करो, आप बोलो अभी, आप बोलो क्या कह रहे थे, आप बोलो क्या कह रहे थे? आपने कहा कि आपके वेदों में उन्हें उसमें कुछ है नहीं, आपको एक बात बताओ, वेद कभी पढ़े हैं आपने जीवन में? मैंने पढ़े हैं, मेरे को पता है उनका, ठीक है, कुछ भी नहीं उनमें, कुछ भी नहीं। अगर आपने पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, बहुत अच्छी बात है, अब शांति रखिए, एक वेद का एक श्लोक दे रहा हूँ, जरा पढ़ के हमको उसका अर्थ बता दीजिए। आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, आप काफी विद्वान व्यक्ति हैं, मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आप भी वेद पढ़े हैं, अच्छी बात है। चलिए, आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी है कि आपने अध्ययन किया हुआ, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। दिख रहा है सर आपको स्क्रीन पर अनिल जी? अनिल भाई दिख रहा है? अनिल जी कृपया रिप्लाई करें, आपको दिखाई दे रहा है? अनिल सर आप देख पा रहे हैं? अच्छा, मेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही है क्या? अच्छे से दिख भी रहा है। हाँ अनिल जी, आपको आपको दिखाई दे रहा है? हेलो, क्या हुआ अनिल जी? ये तो सदमे में चले गए, सदमे में चले गए क्या? ये लग तो ऐसा ही रहा है। साहब ने कहा कि मैंने ऋग्वेद पढ़ा है, मैंने कहा पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे ये श्लोक पढ़ के सुना देते तो मुझे बहुत खुशी होती। नहीं सुना दे, डीएनए की बात आई तो मैं सोचा खतरनाक कोई डीएनए की बात करेंगे, अभी आर्यन विजन पर भी बात करेंगे, अभी सब पर बात करेंगे, लेकिन एक एक करके बात कर सकते हैं ना। अब ये आए हैं बस आरोप लगा के और चले गए। अब देखिए, मैंने कहा कि भैया ये श्लोक पढ़ दो तो बोल ही नहीं रहे, बल्कि माइक भी इनका अनम्यूट है। तो अनिल सर प्लीज, अरे भाई सुनो सुनो मेरी बात, आए आप लोग ना, ये मत करो, ठीक है, ये मत करो आप। क्या करें? मेरा माइक आपने म्यूट कर दिया है ना, माइक म्यूट कर दिया, बोलने नहीं दे रहे आप ना।
अब मेरी आवाज आएगी ना लोगों को अनिल जी सिर्फ नहीं नहीं हाँ मैं बोल रहा हूँ ना मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो सुनो तो यार सुनो 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 एक बार एक बाल्टी पानी पीने लायक है हाँ हाँ बोलो कैसे व्यक्ति को उठा के लाई हैं आप प्रीता जी ये व्यक्ति तो नहीं नहीं अच्छा इसके अंदर तो सुनने का पेशेंस ही नहीं है भाई मैं कह रहा हूँ आपने आरोप लगाया ये तो पहले घबरा रहा है ये तो पट कर रहा है तो इसकी ये सोच रहे हैं ये सोच रहा है कि मैं हंस दूंगा तो मैं ऊंचा हो जाऊंगा आज आपको हंसने के साथ साथ बहुत कुछ होने वाला है सर बस आप कंटिन्यू बने रहे वो तो पता चलेगा मैं कह रहा हूँ कि आपका चैनल ही बंद नहीं हो जाए मैं दो तीन बार आ गया तो आपका चैनल ही बंद हो जाएगा दो तीन बार आ गया तो ठीक है खोल के रख दूंगा मैं भी यहाँ पे बंद करने वाले हैं ठीक है ये खीर खाने से जो बच्चे ये जो खीर खाने से बच्चे पैदा कर दिए आप लोगों ने जो हनुमान के पसीने से मछली के पेट में इंसान कच्चा पैदा कर दिया अपने है ना जो गंगा जो नदी है जो जो बर्फ का पानी पिघल के आता है उनसे वहां से बच्चे पैदा कर दिया अपने सूरज सूरज क्या है सूरज एक ग्रह है ठीक है स्टार है स्टार है स्टार स्टार आके बच्चे पैदा कर रहे हैं यहाँ पे समुन्द्र तुम्हारा प्रकट हो जा रहा है धरती तुम्हारी प्रकट हो जा रही है क्या है ये और तुम्हारे देवी देवताओं को ना सिर्फ इंडिया में पैदा होना है वो उड़ते थे लेकिन उनको चाइना नहीं दिखा उनको चाइना नहीं दिखा जहाँ जहाँ ब्राह्मण है जहाँ जहाँ ब्राह्मण है जहाँ जहाँ ब्राह्मण है वही देवता देवता पैदा हुए ब्राह्मण है वही देवता पैदा हुए। अभी करोना माता के मंदिर भी बन गए यहाँ पे पता है करोना माता के भी मंदिर बन गए उनको भी थोड़ी देर में एक स्टोरी आ जाएगी उनकी उसके ऊपर भी चार बार और ये श्लोक पैदा लिख देंगे और पता आपको रामायण जो जो वाल्मीकि रामायण उसमें 7,000 श्लोक थे ठीक है उसके बाद में रामायण आज के रामायण में 24,000 श्लोक है ये ऐड होते गए ठीक है कौन ऐड करा और आपके ही 100 साल के पहले ग्रंथों में सुनो मेरी बात रामायण की व्याख्या आज से 100 साल के पहले और अभी के उसमें मैं दिखा दूंगा मैं ठीक है अभी में वो फर्क आ रहा है हर हिसाब से अपने हिसाब से ऐड करते हैं अपने हिसाब से वो कर देते हैं जैसे साइंस कोई नई चीज की इन्वेंशन करते हैं एक और नया श्लोक बनाया एक नया श्लोक बनाया उसमें ऐड कर दिया क्योंकि आप लोगों को आज की जो पढ़ी सुनो मेरी बात अरे सुनो यार आप लोगों को आज की जो पढ़ी लिखी जनरेशन है ना उसको टारगेट करना है आपको ये चाहिए कि यार ये लोग पढ़ लिख के सवाल कर रहे हैं तो हम क्या करें तो बोला कर जो ये जो चीज झूठी लिखी है भले इसमें काम करो एक नया श्लोक ऐड कर दूं इसमें काम करो इसको इसकी व्याख्या चेंज कर दो अरे नहीं नहीं ये तो ढोल गवार शूद्र नारी ताड़न के नहीं ताड़न का मतलब ये नहीं है अच्छा 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 चेंज है बोले हाँ चेंज है अभी ये 33 कोटी 33 करोड़ नहीं कोटी का मतलब करोड़ नहीं है भाई 33 कोटी मतलब 33 देवता अच्छा 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 ये है मतलब हर जगह शंभू को राम ने क्यों मारा बोला नहीं नहीं वो तो भाई स्वर्ग पे अधिकार करना चाह रहा था है? अच्छा आज से 75 साल पहले जो रामायण थी उसमें तो ये लिखा था कि मैं तो सहज से अपने शरीर के साथ वहां जाना चाह रहा हूँ बोला नहीं 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 ये कैसे हो रहा है तो ये इतनी बड़ी साजिश है ना और बुद्ध के साथ भी इन्होंने यही खेल खेल रहा मैं सुन रहा था आपकी बोला बुद्ध ने ये देखो बुद्ध है उसने ये किया उसने क्या उसको भी अवतार घोषित कर दिया अरे बुद्ध ने जिस चीज के खिलाफ अपनी पूरी जिंदगी लगा दी जिस अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ इन्होंने इतनी बड़ी साजिश रखी और बुद्ध को पुष्यमित्र सुंग को तो आपको पता होगा पुष्यमित्र सुंग ने किसको मारा और क्यों मारा लाखों बुद्धिस्टों के सर काट के सरयू नदी में भागे सरयू नदी अयोध्या में जो भागे गए ना और आज भी उस अयोध्या में जो नदी जाती है ना उस पर्टिकुलर रीजन में उसका नाम सरयू है सिर्फ उसमें सुनो मेरी बात बोलने दी जितना ये बोलना चाहता है हां 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 सुनो मेरी बात ठीक है बंद होगा उसके बाद से हम बोलेंगे ये पहली हाँ बात हाँ हाँ बोलना ना आप ये कहते हैं सुनो तो फिर सुनो सुनो मेरी बात सुनो सुनो अनिल जी जिंदगी में कभी लगता है डिबेट में नहीं आए हो अपने खानदानी चरित्र का परिचय ना दें मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ चर्चा करने आए हैं चर्चा की तरह चर्चा करें भोंकने से आपकी बातें ऊपर नहीं होने वाली हैं तो भोंके नहीं पहली बात दूसरी बात यह है कि आप जो जो आरोप या जो जो चीजें लगा रहे हैं हमारे ऊपर ये समस्त प्रॉब्लम्स आपके यहाँ जस की तस हैं ठीक है दिखाने के लिए हम भी आपके धर्म ग्रंथों से बहुत कुछ दिखा सकते हैं लेकिन दिक्कत यह है कि आपके पास देखने का सामर्थ्य नहीं है ठीक है तो कृपया कुत्ता गिरी ना करें भौंके नहीं ये अच्छी आदत नहीं है हमने आपसे पहले ही कहा था हम एक साफ सुथरा स्पष्ट चर्चा करना चाहते हैं तथ्यों के साथ चर्चा करना चाहते हैं आपने वेदों पर क्लेम किया आपने कहा कि वेदों में ये चीज़ है मैंने कहा ठीक है आपने कहा मैंने वेद पढ़ा भी है मैंने कहा अच्छी बात है
तो वेदों का जब एक मंत्र मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो इसको पढ़ने के बजाय, इसको पढ़ के इसका अर्थ बजाने के बजाय, आप अब सीधे भाग रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, और जो बातें आप कर रहे हैं, सवाल ये है एविडेंस कहाँ है? सुनी सुनाई बातों पर चर्चा नहीं होती ना मेरे भाई। अगर ऐसे सुनी सुनाई बातों पर चर्चा मैं कर दूं तो फिर तो बहुत दिक्कत होगी। आपको हिंदू देवी देवताओं का प्रमाण चाहिए। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि गौतम बुद्ध के क्या पुरातात्विक प्रमाण हैं, आप दे पाएंगे? बताएं। उनको बेवकूफ बना जा सकते हैं और वही आप कर रहे हो। वही, अरे ये श्लोक, अच्छा ये सूरज की डिस्टेंस दे पाएंगे? सूरज की डिस्टेंस, अच्छा ये तो भाई, ये तो लिखी हुई है, ये तो हमारे ग्रंथों में लिखी है। अभी कोरोना की जो वैक्सीन आ गई ना, इसका भी एक श्लोक बना के बोले, अरे नहीं भाई, ये भी क्लेम किया था, ये पंडे ने क्लेम किया था, बोला अरे नहीं ये तो वेदों में लिखा हुआ है, इसकी वैक्सीन तो हमारे वेदों में पहले। समझा दीजिए, बदतमीजी नहीं करेंगे, थोड़ा सा सभ्यता का परिचय। नहीं, ये आदमी चिल्लाने आया है, डिबेट करने आया है। सर ये फोन पे भी ऐसे ही करता है? ये फोन में ऐसे नहीं करता है। असल में क्या है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, जिसको कुछ नहीं आता उसको भोंकना आता है। ये व्यक्ति सिर्फ भोंक करके ये चाहता है कि मैं अपनी बातें ऊपर कर लूंगा। मैं इन दावे के साथ कहता हूं, अगर इन्होंने शांति से यहां पर हमारे साथ चर्चा कर ली तो ये फिर जिंदगी में किसी के स्ट्रीम में जाके ऐसे तो बिल्कुल नहीं भोंक पाएंगे, अगर ये तथ्यों पर बात कर रहे हैं। लेकिन ये व्यक्ति तथ्यों पर बात नहीं करना चाहता, बस ये क्या होता है यार? आप अगर हिंदू देवी देवताओं का प्रमाण मांग रहे हैं तो आप बुद्ध का प्रमाण दीजिए ना। कहाँ है गौतम बुद्ध का प्रमाण? एक समकालीन ढेला नहीं मिला किसी को। भाई साहब कह रहे हैं कि कोई यहां से पैदा हो गया, कोई वहां से पैदा हो गया, अपने ग्रंथों में खुद ही उनको पार्श्व भाग से पैदा कर रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि तुम यहां से पैदा हो गए, वहां से पैदा हो गए, खीर वाली बात कर रहे हैं। अरे हाथी वाली बात क्यों छुपा रहे हैं, ये तो बताइए। मेरी बात सुनो, अयोध्या से भी बुद्ध की मूर्तियां निकल रही हैं। अगर खाली ये कहोगे कि मेरी सुनो, तो मैं आपका गुलाम नहीं बैठा हूँ यहाँ पे कि सिर्फ आपकी सुनूंगा। आपने आरोप लगा रखे हैं, मैं या तो उन आरोपों को मेरा उत्तर सुनिए या फिर मैं प्रश्न कर रहा हूं, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं भी तो प्रश्न करूंगा ना आपसे कि नहीं करूंगा? डर लगता है क्या मेरे प्रश्नों से? अगर आप बढ़वाएंगे भाई साहब, क्या मूर्ख आदमी है यार, चौपट कहीं का। अयोध्या पहुंच गया, अब अयोध्या पहुंच गया, अभी कोरोना माई को दोहरा रहा था, अयोध्या पहुंच गया। ऐसे व्यक्ति को आप लाइए डिबेट के लिए, सबसे पहले तो इन बहन जी को शर्म आनी चाहिए। नहीं, बहन जी को शर्म नहीं आनी चाहिए, ये व्यक्ति जो है इनको बार बार ब्रेन वॉश करने का प्रयास कर रहा है, और ब्रेन वॉश करने का प्रयास इस तरह से कर रहा है कि इसको कुछ सुननी नहीं है, बस अरे वो अजेंद्र जी का कमेंट देखिए, इसको खुला मत छोड़े नहीं तो काट लेगा। जी, लग तो स्वभाव से ऐसे ही रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि एक न्यूट्रल डिबेट हो, एक न्यूट्रल चर्चा हो, और मैं फिर भी इनसे अभी भी यही अपेक्षा कर रहा हूं कि ये सही से बात करेंगे। मतलब क्या है आप बताओगे नहीं, है ना सर, मैं क्या बताऊंगा नहीं बताऊंगा ये तो अलग बात है ना, लेकिन कोई किसी को तभी बता सकता है कि जब वो सुनने की इच्छा रखे। आपको सुनने की इच्छा है नहीं, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ। आप बहुत जीनियस आदमी है, बहुत महान आदमी है, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए ना। आप मुझे सिर्फ चल जाएगा पता, अभी तो डिबेट शुरू हुई है। ऐसे शुरू कहाँ हुई है, चलेगा पता, मतलब ऐसे करेंगे, ये डिबेट होता है, ये क्या कर रहा है, वही तो कर रहे हो, ये नहीं, मैंने सवाल पूछे आपसे,
नहीं सवाल कहाँ पूछे, अरे सवाल पूछे भाई, यही क्या होता है, मैं आर्कोलॉजी का, मैं आर्कोलॉजिकल एविडेंस में बात करता हूँ। तुमसे ज्यादा आर्कोलॉजी आती है, सुनो, तुमसे ज्यादा आर्कोलॉजी आती है। अभी सारी आर्कोलॉजी एविडेंस जो है ना, अभी बत्ती बनेगी और उसका बढ़िया जगह पर उसका प्रवेश कराने वाले हैं, लेकिन आप धैर्य रखो, धैर्य से बात करो। देखो, आप एविडेंसेस की बात कर रहे हो, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ कि लोग लिख के दे दूंगा, पढ़ दोगे आप? क्या चीज? भारत के मूल निवासियों की भाषा ना पाली भाषा, तो भगवान बुद्ध के सारे जो जितने विचार उन्होंने, जितने भी जो उपदेश दिए, वो सारे पाली भाषा में है। उसके बाद में उनका पहली शताब्दी और दूसरी शताब्दी, अरे पाली आती है आपको? पाली आती है? मैं वही तो कह रहा हूँ, आप बोलो ना, संस्कृत में पढ़ के बताओ मेरे को। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? हाँ बोलिए। पाली आपको आती है? पाली आती है आपको? मैं पाली पढ़ाई जाती है क्या? पाली पढ़ाई जाती है? पढ़ाई जाती है। ब्राह्मणों ने एक साजिश, सुनो मेरी बात, ब्राह्मणों ने एक साजिश, अपनी बात कर रहे हो, ब्राह्मण ब्राह्मण कभी ब्राह्मण से बाहर निकलोगे कि नहीं निकलोगे? मैं क्या पूछ रहा हूँ, पाली आती है या नहीं, यस या नो? पाली आती है या नहीं, यस या नो? पाली आती है? तुम कह रहे हो, वो तुम कह रहे हो भाई, अरे क्या कह रहा हूँ, क्या आदमी हो, मैं क्या कह, तुम कह रहे हो कि पाली भारत के मूल निवासियों की भाषा है, ठीक है, आप मूल निवासी हो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, हे भारत के मूल निवासी, पाली आती है? यस, पाली भाषा के कितने कॉलेज खुलवाए? पाली आती है? पाली और संस्कृत में से, पाली और संस्कृत में से प्राचीन भाषा कौन सी, आप ये बता दो। अरे यार मैं क्या पूछ रहा हूँ, प्राचीन भाषा कौन सी है ये बता दो, आर्कोलॉजिकल एविडेंस के साथ में बता, पाली और संस्कृत में से कौन सी प्राचीन है? संस्कृत। संस्कृत, संस्कृत कैसे, संस्कृत कैसे होगी, संस्कृत उसकी भाषा देवनागरी है, वो जस्ट 1.5 साल पहले भी बड़ी नहीं है, पता ही नहीं है संस्कृत, तुम्हें पाली ऐसे कुछ भी मुंह खोल दिया आपने, बिल्कुल, जब तुम्हें, तुम जब अशोक के जितने भी शिला, सुनो मेरी बात, अशोक के जितने भी शिलालेख मिले ना, सारे पाली भाषा में है, समझ रहे हो? शिलालेख पढ़ लेगा अशोक के, शिलालेख पढ़ लेगा, और उससे भी किसके शिलालेख पढ़ लेगा, मैं बोल रहा हूँ ना, सारे पाली भाषा, मेरे को आती नहीं पाली भाषा, अरे मैं कह रहा हूं अशोक के शिलालेख पढ़ लेगा, और वो तो शुक्र है, और वो तो शुक्र है, सुनो सुनो सुनो, अशोक के अभिलेख दिखाइए इसको, अशोक के अभिलेख दिखाइए इसको, या अशोक के अभिलेख पढ़ के दिखाएगा, मूल निवासी बच्चा है अभी, ये अपने बाप दादाओं की भाषा पढ़ेगा, दिखाओ भाई, अरे कुछ नहीं आती है पाली, सम्राट अशोक के अभिलेख दिखाओ, गिरनार वाला अभिलेख दिखाओ इसको, या वहां का सर सारनाथ वाला दिखा दो, दिखाओ इसको, पढ़वाओ, देखते पढ़ता है कि नहीं। मैं सोचा कुछ नया आने वाला है भाई, दिखाओ 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 दिखा, ये मूल निवासी है ना, अभी पता चल जाएगा कि ये कहाँ का मूल निवासी है, कह रहा है कि मूल निवासियों की भाषा तो पाली है, भाई तुम मूल निवासी, तुम्हारी भाषा मूल निवासी, अब कह रहे हो कि कहाँ पढ़ाई जाती है, अब नहीं पढ़ाई जाती है तो तुम्हारी भाषा थी ना, तुम्हारी तो मातृभाषा थी ना, तुम्हारी अपनी खुद की भाषा थी, तुम ही दावा कर रहे हो, तो तुम अपनी भाषा कैसे भूल गए, तुम अपनी भाषा भूल गए और तुम दूसरों की भाषा बोलने लगे, अपना बाप पता नहीं, दूसरे को बाप बना के तुम घूम रहे हो और दोष हमको दे रहे हो, क्यों भाई? न तुमको संस्कृत आती है, न तुम संस्कृत पढ़ पा रहे हो, कह रहे हो कि वेदों में मैंने पढ़ा है और संस्कृत दिखा रहा हूँ श्लोक, तो वहां भी भाग गए, तुम कह रहे हो मुझे पाली, पाली हमारी भाषा है, पूछ रहे हो या पाली पढ़ दोगे तो तुम वहां भी टाटा फिस, कुछ मूर्ख जैसे लोगों से बहन, मूर्खों को मत लाया करो हमारे यहाँ, इनको कुछ नहीं आता गाल बजाने के अलावा, सॉरी सर, ये बात करने आया है वेदों पर संस्कृत नहीं आती, बात करेगा पाली पर पाली नहीं आती, बात करेगा सम्राट अशोक के अभिलेखों पर अभिलेख नहीं पढ़ पा रहा, बात करेगा मूल निवासी पर और पूछ दो कि भाई मूल निवासी तो सारे हम अफ्रीका से आए हैं, ये अफ्रीका से आया है ना, ऐसा करने वाला तो तुम्हें नहीं लाते इसे, अभिलेख भेज दिया है मैंने, मुझे थोड़ी सी बात करने दीजिएगा बाद में इनसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर डिसिप्लिन में रहेंगे तो, हालांकि मुझे तो इनके मुंह पे शटर लगाना पड़ रहा है बार बार, वो हमारे यहाँ यूपी और बिहार में जब बैल जब ज्यादा चारा खाने लगता है तो उसके मुंह पे हम एक जाबी लगा देते हैं, तो वैसा ही हमें भी करना पड़ रहा है, वरना इनका मुंह तो एकदम गजोत्तम और गजवाली सब प्रतिमाएं तैयार रखने, वो पीछे वाली, हाँ हाँ सब है, अभी आर्कियोलॉजी से करेंगे,
अभी आर्कियोलॉजी इनको दिखाते हैं। हाँ पढ़ो भैया, मैं क्या क्या लिखा है? अरे कह नहीं रहा, पाली बताओ क्या लिखा है। मुझे नहीं आती ना, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं आती मुझे, नहीं आती। यहाँ क्या करने आया? नहीं आती। क्या करने आया यहाँ जब तुम्हें नहीं आती तो? अच्छा, आपको आती है जब नहीं आती तो? बिल्कुल आती है। आपको आती है? मैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे तुम जैसे लोग जो अंधविश्वास फैला रहे ना देश में, सुनो मेरी बात। सुन ले भैया, तुम अंधविश्वास तो तब दूर करोगे ना जब तुमको कुछ आएगा। ढक्कन लोगों से कभी अंधविश्वास दूर नहीं होता। न तुम्हें पाली आ रही है, न तुम्हें ब्राह्मी आ रही है, न तुम्हें संस्कृत आ रही है, और तुम आ गए हमसे ब्राह्मी और संस्कृत और पाली और आर्कियोलॉजी पे बात करने के लिए। बेवकूफ कहीं के आए तो बात करो, समझ में आता है भाई? आती ही नहीं, गाल बजाने आ गए। ये क्या है? मैं बहन, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, क्या बात करेंगे इससे हम? सॉरी सर, फोन पे तो इतना मतलब लगता है कि बहुत दुनिया भर का इंटेलिजेंट है, पर यहाँ पे तो उल्टा ही है। नहीं, सारी इंटेलिजेंस जो टाइटा फेस हो गई, अपने मुंह से कह दिया मेरे को पाली बोल रहा है कि पाली मूल निवासियों की भाषा है, और कह रहा है मेरे को पाली। भाई तू इतना बड़ा हो गया, हाँ शकल से तो बिल्कुल गबरू जवान लग रहा है, इतनी उम्र हो गई कम से कम 30-35 साल का, आज तक अपने बाप दादाओं की भाषा नहीं सीख पाया और तू मनुवाद हटाएगा यहाँ से? बेवकूफ कहीं का, ये हटाएंगे मनुवाद? आता जाता कुछ नहीं, चले आए गाल बजाने के लिए। और सीखनी हो तो हमारे प्लस क्लासेस, सीखनी हो तो क्लासेस। कह रहे हैं कि पाली ना जानने से क्या होता है, बहुत कुछ होता है। अगर आपको डॉक्टर नहीं आएगी और अगर आप किसी का ऑपरेशन करने बैठ जाएंगे तो फिर पुलिस वाले आपको सुबह सुबह टांग के ले जाएंगे और पिछवाड़े पे इतनी लठ मारेंगे, इतनी लठ मारेंगे कि दोनों नितंब जो है ठोस ठोस, चिकने चिकने, गोल गोल हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये तब तो और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप किसी सब्जेक्ट पर डिस्कशन करने के लिए आते हैं, जब आप किसी टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए आते हैं, और जब आप ही ये दावा करते हैं कि भैया ये तो हमारी भाषा है, ये तो हमारी लिपि है, ये तो हमारा है, ये तो हमारा, तो जब तुम्हारा है भैया तो बताओ तो सही, पढ़ के तो सुनाओ। अच्छा नटराज जी, आप पढ़ दीजिए ये भाई, वरना ये भाई साहब कहेगा कि इनको खुद नहीं आती। हाँ भाई अनिल कुमार, देवा नाम सुन लो, देवा नाम पीएन पीए दसीन लाजान वीसती वसी बीस तेनेन अतेन आगात अतेन आगात ही ये हित बुद्धाए साके मुनि। माइक म्यूट क्यों कर दिया? अरे मैंने दो लाइनें पढ़ ली, तो म्यूट तो करना पड़ेगा ना, ये पढ़ रहे हैं ना, सुन तो नहीं कर गए क्या? दो लाइनें मैंने पढ़ दी, डर गए भैया। चलो अनिता जी पढ़िए। हाँ, अर्थ भी बता दीजिए। शिला विग, इसमें यह है कि जो देवानाम प्रिय राजा है उनके द्वारा साक्य मुनि। डर गए क्या भाई? माइक बंद कर दिया यार, बीच में क्यों टोक रहे हो? हेलो, सुन तो लो, या तो तुम पढ़ दो। अरे हेलो, नहीं तो ये पढ़ रहे हैं, सुन लो। अरे विदेशियों भाई, खोलो माइक तो खोलो। विदेशी? डर क्यों गए? अरे मैं विदेशी हूँ, अरे मैं विदेशी हूँ, तुमको चैलेंज करता हूँ। अरे वो विदेशियों पैदा हुए हो ना अनिल भैया, अगर तुम अपने ही बाप से पैदा हुए हो ना तो तुम मुझे विदेशी साबित करके दिखा दो, है औकात तुम्हारी? चैलेंज कर रहा हूँ तुमको खुला, अगर तुम अपने बाप से पैदा हुए हो तो तुम मुझे विदेशी साबित करके दिखा दो, है दम? चैलेंज कर रहा हूँ खुला तुमको, है दम तुम्हारे अंदर? और अगर नहीं साबित कर सकते तो दोबारा विदेशी मत बोल देना, क्योंकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे भारत की नागरिकता देता है, किसी के बाप की औकात नहीं है जो मुझे विदेशी बोल देगा यहाँ स्ट्रीम में आकर के, समझे? तो उतना ही बोलो जितना कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हो, संवैधानिक दायरे में हो। अच्छा प्रीति जी, प्रीति जी, अब आप है ना ऐसी बातों में बताइए, आपके जो भी डाउट हो ना प्रीति जी, आपके जो डाउट हो ना डाउट, ठीक है, वो हमसे आके पूछ लीजिएगा। अगर आपको कोई चर्चा करनी है, अगर आपको कोई डाउट है किसी से भी रिलेटेड, चाहे बुद्धिज्म हो चाहे हमारे हिंदुज्म से रिलेटेड हो, आप हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकती हैं। ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल आने की आवश्यकता नहीं है जिनको खुद कुछ नहीं आता।
अभी मेरा भाई कहे कि नहीं हमारी मूल भाषा पाली है और हमारे बाप दादा ब्राह्मी में लिखते थे और इसको खुद नहीं आ रही, तो फिर काहे का भाई। अगर हम ये कह रहे हैं कि भैया हमारे ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए, तो कम से कम हम संस्कृत पढ़ना और लिखना जानते हैं, तो हम मान रहे। लेकिन इनको तो आ ही नहीं रहा, अभी भग लिए चले गए। सॉरी लिख रहे हैं कि फट गई, देखिए भग गए और कह रहे हैं कि फट गई। हाँ बिल्कुल आपकी फट गई होगी, मुझे पता है, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको चैलेंज किया कि अगर आप अपने बाप की औलाद हो तो मुझे विदेशी साबित कर दो, तो आपकी फट तो जाने ही वाली है, क्योंकि ये तो आपको ही पता है। मैं तो विदेशी नहीं निकलूंगा, लेकिन आप अफ्रीकन पक्का निकलोगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। अगर दम है तो डीएनए टेस्ट करवा लो। प्रीति जी, कुशवा जी, बोलूँ मैं? आप हाँ बोलो, तो भग गई है हाँ प्रीति प्रीति जी, जी। तो भग सुनिए, ये देखिए, अच्छा पहले ये पढ़ के बता देने दीजिए। दो लाइनें पढ़ दी थी, तीसरी लाइन है सी ला वी ग भी ते का ल काल पित्ते सी ला थंब उ ओष प पित्ते हिद भगवा ज तेती पू लू मिनी गमे गमे उब ली के कट। तो इसका अर्थ यह है कि देवानाम प्रिय राजा द्वारा लुम्बिनी नगर की यात्रा की गई, और वहां भगवान जहां भगवान गौतम बुद्ध, जहां शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। तो अभी तक ये मतलब है इसका, ये वही जो लुम्बिनी का है ना, जो अभिलेख उसका है, और उसके उपलक्ष्य में जो था। स्तंभ और हाँ वही वाला अभिलेख है था। जी। इसमें देखिए बुद्ध और हित बुद्धे, बुद्ध और शक्य मुनि ना, ये शब्द आया इसमें दूसरी पंक्ति के अंतिम लाइन से। कृपया जिनको मैं अभी टाइम आउट कर रहा हूँ वो ट्राई ना करें, अभी मैं किसी अन्य व्यक्ति को स्ट्रीम में नहीं जोड़ने वाला हूँ, तो कृपया ट्राई ना करें। और विभीषण नाइक, आप तो बिल्कुल ट्राई ना करें, क्योंकि आपकी औकात, मतलब औकात की बात नहीं करूंगा, आप इतनी क्षमता नहीं रखते कि आप सनातन समीक्षा के स्ट्रीम में शक्ल दिखा सकें। पढ़ लिख के आइए तो बात करिएगा। नहीं, वो वहां पे जाके बोल रहे थे कि मुझे अनपढ़ कह दिया, अनपढ़ कह दिया, मुझे नहीं, बोलने ये नहीं दिया, अनपढ़ तो अपने गालियां मुंह से दी। कहते हैं, तो है तो बोलना नहीं, वो पड़ेगा ना। वहां पे जाके यार तो अलग इतने अलग बार बात बार कर रहे लोग थे। आ रहे हैं यार जुड़ने के लिए, अब मुझे चाहते हैं मैं आप लोगों को ब्लॉक कर दूं? अगर मैं आप लोगों को अगर किक आउट कर रहा हूं तो मान जालिए, मान जाइए भैया, जोड़ेंगे थोड़ी देर बाद जोड़ेंगे, अभी हम जिनका इंतजार कर रहे हैं उनको आने दो। अनिल भाई साहब कहेंगे अच्छा कि मुझे दोबारा लिया नहीं, तो बहन जरा पूछो अनिल भाई साहब भागे क्यों? ये तो डिबेट करने आए थे, बस आऊ करके चल गए, ये कौन सी डिबेट होती है? कुशवाहा जी, सॉरी मैं सिर्फ एक एक बात मिनट बोल रहा हूँ। एक मिनट, अच्छा एक बात बताइए, कोई इसमें मेडिकल से जुड़ा हुआ है, मतलब किसी को थोड़ा बहुत मेडिकल का नॉलेज है? मतलब बहुत डेप्थ में नहीं है, हल्का फुल्का है। मतलब किस सेंस में चाहिए था आपको? नहीं मुझे सेंस में यही चाहिए कि जब बेसिक आदमी बेसिक बता वो दें। नहीं, आदमी जब ये वो करता है, किसी किसी नहीं अच्छा सुनता है, इसको दौरा एडी, पड़ना, वो ये कौन एक्चुअली सा दौरा है, मतलब इसको जो ये दौरा जो नहीं, पड़ता है इसका इलाज क्या है? हाँ मैं बता रहा हूँ जोर से इनको सुस्तू हो लगा होता है सकता तब भी करता है ऐसे आदमी। है, नहीं इनको हो सकता है ADHD की प्रॉब्लम हो, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं इसको, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, बंदा अपनी ही बड़बड़ बड़बड़ या हरकतें ऐसी रहती हैं उसकी कि वो एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाता, तो हो सकता है ADHD की प्रॉब्लम हो। तो उसके लिए दवाई आती है, ही शुड कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर दिस। और अभी प्रीति जी मैं आपको बताऊं, आपको ना ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको डीएनए और डीएनए स्टडीज के बारे में अगर जानना है तो आपको किसी जेनेटिक साइंटिस्ट की सुननी चाहिए, ना कि कोई भी आके अपना मुंह बखेर दे। अभी मैं इनसे पूछ लेता ना कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, उसमें कितने स्ट्रैंड होते हैं, और जरा बताना उसमें कौन कौन से शुगर होते हैं, तो तोते हरे हो जाते हैं इनके, डीएनए डीएनए कर रहे थे। अगर आपको डीएनए के बारे में जानना है, तो राखी गढ़ी में जो R1A1 की बात चल रही है, R1A की बात चल रही है उस जीन की, तो राखी गढ़ी में जो ये पूरी रिसर्च हुई है, इसके लीड साइंटिस्ट हैं नीरज राय जी।
हरी जी सही कह रहा हूँ ना मैं, नीरज भाई जी है? हाँ डॉक्टर नीरज, वही बताना है वो ललन टॉप की जो बात कर रहे थे ना, ललन टॉप वाला इंटरव्यू उसके बेस पे ही दिया था। और ये ललन टॉप की बात कर रहा है और ललन टॉप तभी जो नहीं एक तभी से ऐसे जा रहा हूँ, अभी ये ब्राह्मणों की बात कर रहा था और ललन टॉप का जो मेन हेड है वो खुद ही ब्राह्मण है, तो ये बेचारा अपनी बात को डीएनए रिपोर्ट को टोटली साबित करने के लिए एक ब्राह्मण ललन टॉप के चैनल का रेफरेंस दे रहा है। ये यूट्यूब से ज्ञान सीख के आया है और मुझे तो ये लगता है कि भाई इतनी उम्र हो गई इसकी, 30-35 साल से कम नहीं है, और 30-35 साल की अवस्था में भी अगर इस व्यक्ति ने अपने बाप दादाओं की भाषा नहीं सीखी तो क्या सीखा इसने। अच्छा कह रहा है कि प्रीति जी को मैंने मुझे कहना है, प्रीति जी जो देखिए बात सुनिए, इन लोगों के 10-15 दावे हैं, ठीक है, वो रटाए हुए होते हैं किसी के सामने जाके, बस 10-15 दावे ऐसे जैसे भाई बोल रहे थे ना, ये वो एक के बाद, तो वो जो भी 10-15 दावे हैं वो हमने हमारी चैनल पे कई बार उसका स्पष्टीकरण और डिबंक कर चुके हैं। तो आपको जो भी ऐसा लगे इसका मुझे चाहिए, एक दो बार आप उसका स्पष्टीकरण देख लीजिए, फिर आपको ये सब दावे ऐसे ही चुनु मुन्नु लगेंगे, कोई दम नहीं है। इसने ये बोला कि पाली है वो मूल निवासी की भाषा है, संस्कृत विदेशी है, जबकि इसको भाषा विज्ञान का पता नहीं, दोनों एक परिवार की भाषा है इंडो यूरोपियन। अगर संस्कृत है तो पाली भी एक ही परिवार की भाषा है, ये इसको पता नहीं है। और नटराज जी एक चीज और, वो तो मैंने ही नोटिस कर लिया था, वो कह रहे देवनागरी। अरे भैया लिपि और भाषा का अंतर तो समझ ले। अभी ये बंदा अनिल कुमार लिख के आया है, जो अल्फाबेट्स है वो इंग्लिश के हैं लेकिन नाम हिंदी है, वो अनिल कुमार, तो लिपि और भाषा का अंतर नहीं पता इसे। और रही बात प्रीति जी, मैं आपको ये बता रहा था कि एक रेप्यूटेड जर्नल है सेल, उसमें नीरज राय जी की पूरी स्टडी पब्लिश हुई थी, जो राखी गढ़ी का डीएनए जो पूरा सिस्टम है आरएनए वाला उसके ऊपर, और उसका जो शीर्षक है ना, बल्कि मैं इन ब्रीफ बता देता हूँ कंक्लूजन उसका, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो जीनोम मिलता है वहाँ के पॉपुलेशन का, वो साउथ एशियन है बेसिकली, ठीक है, और द पॉपुलेशन हैज नो डिटेक्टेबल एंसेस्ट्री फ्रॉम स्टेपी पेस्टोरलिस्ट्स और फ्रॉम एंटोलियन एंड ईरानियन फार्मर्स, सजेस्टिंग फार्मिंग इन साउथ एशिया अरोज फ्रॉम लोकल फोरेजेस रादर देन फ्रॉम लार्ज स्केल माइग्रेशन फ्रॉम वेस्ट। तो अभी इनको डीएनए कर रहे थे, ये डीएनए साइंटिस्ट का पेपर पब्लिश हुआ है, वो भी एक रेप्यूटेड जर्नल में, आप इसको गूगल पे सर्च करेंगी तो आपको मिल जाएगा। मैं आपको शीर्षक बता देता हूँ सर्च करने के लिए, शीर्षक है एन एंशियंट हरप्पन जीनोम लैक्स एंसेस्ट्री फ्रॉम स्टेपी पास्टोरलाइज और ईरानियन फार्मर्स। इतना आप सर्च करिएगा, सेल साथ में डालिएगा, आपको मिल जाएगा ये रिसर्च पेपर। तो आप इनको छोड़ दीजिए, ये वही इनके तोते की तरह इनको रटा रखा होता है, 10-15 आर्ग्यूमेंट होते हैं इनके पास ले लेके, और कुछ नहीं होता। और वो भी इसमें इतना पेशेंस नहीं था कि एक बार में एक अपना आर्ग्यूमेंट रखे ताकि हम एक का जवाब दे सके। जैसे होता है ना रेबिड कुत्ता होता है, एक बोर आ जाता है वो भर भर। अरे भाई एक तूने प्रश्न पूछ लिया, एक का उत्तर देने दे, फिर एक प्रश्न हम भी पूछेंगे उसका उत्तर तू दे दियो, ऐसे थोड़ा ना होता है एक आदमी बटर बटर बोले जाए। इंद्र से राखी गरी, इंद्र से ललन टॉप, कहाँ से कहाँ कितना टॉपिक, वो मैं प्रीति जी ये सब रटाया हुआ होता है एग्जाम। तो आपको जब भी कोई ऐसा आके बोले ये, तो हमारे पास आइए, आप मुझे हमको कहिए कि हमको ये आंसर चाहिए। इस टाइम राज भाई होने चाहिए थे। नहीं ऐसी आवश्यकता नहीं थी, और मैं आप लोगों से बार बार ये कह रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है तो हम एक अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं। इनका क्या है ना कि मैं इनको बर्दाश्त इसीलिए कर रहा था क्योंकि ये किसी की रिकमेंडेशन पे आए थे, वरना ऐसे लोगों को तो आपको पता ही है, मैं खुद ही, लेकिन मैं चाह रहा था कि शायद हो सकता है कि दौरा अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, लेकिन दौरा तो बढ़ता ही जा रहा था। तो वो क्या होता है ना, कुछ लोगों को दौरे पड़ते हैं, तो अब तो ये प्रीता बहन अच्छी तरह से समझ गई होंगी कि ये जिनको लेके आई थी उस व्यक्ति के अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, धैर्य नाम की कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल सर, और उनको अगर प्रश्न करना है वो करें, और प्रश्न करने के साथ सुने भी, जब वो सुनेंगे नहीं तो अगला क्या बताएगा। वो तो बस ये सोच के आए थे, और पता है वो व्यक्ति आता भी नहीं, लेकिन लड़की के सामने कहीं हमारी इज्जत खराब ना हो जाए तो आ गया, और सोच के आया था कि जाऊंगा तो सिर्फ करके निकल जाऊंगा, बस यही किया उसने।
और कुछ नहीं किया। पीपल वाला भूत तो चढ़ गया था कहीं। अभी तो सब दिखाते ना, भग लिया ये वो है वो प्रेत वस्तु में जो सेकंड वाला था ना, ये वो सेकंड वाला है। प्रीति जी, प्रीति जी आपके जो भी क्वेश्चन हो ना, आपको जब भी एनकाउंटर हो ऐसे लोगों का, आपको पूछे ये है वो है, तो उसको पूछो आपके प्रश्न क्या है, ठीक है? फिर आप वो प्रश्न लेके, एक्चुअली हमने ये सब बारे में पूरी स्ट्रीम तो करके ही रखी है, लेकिन फिर भी आपको लगे कि हमारे मुंह से सुनना है, आपको हमारी विश्वसनीयता चेक करनी है कि हमको आता है कि नहीं आता है, तो लाइव आके आप पूछ लीजिए। अब देखो एक ही बार में कितने टॉपिक छेड़ दिए बंदे ने, एक ही बार में कितने सारे, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, ललन टॉप फलन टॉप। अरे भाई कभी मैं तो बस हरी जी, मैं तो बस एक ही चीज लेके बैठ गया था जो मेरे को आती है, ठीक है? अरे इतना जानने की जरूरत भी नहीं थी, उसको क्या पता डीएनए क्या होता है। अभी मैं पूछ लूंगा कि भाई जो भी एक्सकवेशन हुआ था उसमें R1A1 क्यों नहीं था, तो वो बताएगा नहीं नहीं वो मूल निवासी थे। अब आपको भी पता है क्यों R1A1 नहीं था उसमें, आधा आंसर किसी को पता नहीं होगा कि R1A1 क्यों नहीं था उसमें, ठीक है? ये पता होता नहीं है, ललन टॉप का देख के आते हैं वीडियो, इससे कुछ होता नहीं है। तो आप अपने श्रीवास्तव जी, इनको क्रोमोसोम नहीं बताऊंगी भैया कि किस में कौन से क्रोमोसोम है। श्रीवास्तव जी वो रो नहीं रहा है, वो कह रहा था पापा कैसे व्यक्ति को बुला लिए थे आप, बिल्कुल मेरे को इरिटेट कर दिया, मैं तो अच्छा खासा सोया था, शिकायत कर रहा है। सर अभी भी उसका बारे में ऐसे चल रहा है कि वो अपस्ट्रीम में ऐड नहीं कर रहे उसे। मैं ऐड नहीं कर रहा हूं क्यों भाई, आप तो पैरेंट में आप खुद ही देखिए, नहीं स्क्रीन दिखा दो ना। कुछ लोग पी लेते हैं ये टाइम पेन हो जाता है। हरियाणा क्या था यार, दो मैंने और पीछे बैकग्राउंड वगैरह खाली कर दो, चाहो तो मैं भी निकल सब हटा दो, बस उसको जगह दो और उससे बस ये पूछना एक टॉपिक, बस एक टॉपिक, उससे इधर उधर नहीं होने वाला। बस कोई एक टॉपिक जिस पे वो कहेगा उस पे बात करेंगे। नहीं हम कह रहे हैं कि अगर वो ये कह रहा है कि भाई तुम्हारे हिंदू देवी देवताओं को कोई प्रमाण नहीं है तो गौतम बुद्ध जी का आधार कार्ड दिखा दे हमको, बात खत्म। मैं तो यही बात बोल रहा हूँ ना, ये कोरोना तो फिर राम मंदिर तो फिर पला, अब राम मंदिर की बात कर रहे थे, अगर यही हम कह देते फिर भैया आप तो 600 पन्नों का पूरा प्रूफ लेके गए थे, 1-1 लाख रुपए का जुर्माना ठुकवा के चले आए, क्यों? तो बोलेंगे वो तो मनवादी सरकार थी, ये थी वो थी। अरे भैया कुछ भी थी या नहीं थी, जो भी हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हुआ, अगर आपको आपत्ति है तो आप जाके कोर्ट से सवाल करो, हमसे क्यों लड़ रहे हो इसके लिए? कुशवा जी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से बात कर रहा हूँ, वो जो शब्द हाँ। बोले ना तो अरे आर्कियोलॉजी बोल, उसको आर्कियोलॉजी बोल रहा यार, आर्कियोलॉजी बोल रहा है वो उसको यार, आर्कियोलॉजी बोल रहा है वो, उच्चारण में इधर उधर हो जाता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में अगर उनको बात करनी ही है तो करें, लेकिन दिखा के करें ना, ये गाल बजा के थोड़ी होता है। तो प्रीता जी बोल दीजिए आ जाए, अगर उनका अभी भी दिली ख्वाहिश है, कुछ बच बाकी रह गया हो तो आए, कुछ अभिलेख और दिखाते हैं, और इस बार पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे, इस बार सीधा दिखा देंगे पार्श्व भाग वाला अभिलेख, और उनको ये भी दिखा देंगे ठोस ठोस चिकने चिकने सब दिखाएंगे आज। उनका भी फोन आया, मतलब बार बार कॉल आ रहा था, मैं कट कर दिया, अभी पर उठाया तो उन्होंने बोला कि मतलब आपने निकाल दिया है उनको, वो अभी आपने निकाल दिया निकाल। आप देखिए उनको निकाले, वो खुद भग गए यहाँ से, जैसे उन्होंने कहा मुझे विदेशी, मैंने कहा कि अगर अपने बाप की औलाद हो हमको विदेशी साबित कर दो। मैं नहीं मान रही सर, उनके नंबर का झूठा ही है, मुझे पता है, आप लिंक प्रिंट कर दीजिए ना वो आ जाएंगे। लिंक तो मैं अभी डाल देता हूँ भैया। नहीं आप उनको पर्सनली भेज दीजिए प्रीता जी, वो प्राइवेट में दे दिया है आपको, आप उनको पर्सनली भेज दीजिए, बोलो ये रहा लिंक, आके ज्वाइन करो करके, जगह तो खाली है ऐसे। अनिल भैया अगर आप सुन पा रहे हो तो कृपया पधारिए, आपकी सेवा में हम हाजिर हैं, आ जाइए, बहाने ना बनाइए। अच्छा एक और नए गेस्ट आए हैं, अनुभव पाउल, तो अनुभव जी स्वागत है आपका हमारी स्ट्रीम में, बताएं।
अनुभव जी, अनुभव जी अब नहीं बोलेंगे, अनुभव जी नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं। हाँ अनिल जी आ गए हैं, और अनिल जी जोड़ने से पहले मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि इस बार आप बड़बड़ाएंगे नहीं, इस बार पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है मुझे, और मैं चाहता हूं कि आप भी पॉइंट टू पॉइंट बात करें। अगर आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ ब्राह्मणों ने कर दिया, सब कुछ ब्राह्मणों ने कर दिया, तो आपने क्या किया ये प्रश्न बनता है। आप सब कुछ ब्राह्मणों के ऊपर ढाल के भाग नहीं सकते। मैं तो बोलता हूँ इनसे ही पूछ लो कि ये किस पे बात करना चाहते हैं। हाँ नहीं, ये किस पर बात करेंगे, हम कह रहे हैं कि हिंदुइज्म बुद्धिज्म पे बात हो रही है, और अगर पाखंडों पे बात हो रही है तो दोनों के पाखंडों की चर्चा होनी चाहिए, एक तरफी बात क्यों कर रही है। किसके दोनों पाखंड, कौन से दो, दूसरा वर्ग कौन सा ले रहे हो? बौद्ध पाखंड, दूसरा वर्ग कौन सा ले रहे हो? बौद्ध भी तो पाखंड ही है। बौद्धों में पाखंड किसने घुसेड़ा, किसने घुसेड़ा? घुसेड़ देगा क्या? हाँ नहीं, आप में कोई और घुसेड़ देगा? आप एक मिनट अभी थोड़ी देर पहले ना आपने क्या कहा, आपने क्या कहा, मेरी बात सुनो, कोई और घुसेड़ देगा या नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनोगे? मुझ में नहीं घुसेड़ सकता, लेकिन मेरे पांच अनुयायी अगर ब्राह्मण बन जाएंगे और वो मेरे विचारों की व्याख्या अपने तरीके से करेंगे, वो घुसेड़ देंगे, समझ रहे हो? अभी आपने थोड़े दिन पहले का, मेरी बात सुनो ना। हाँ सही कह रहा हूँ, रिकमेंडेशन पे आए हैं तो आप ये कौन सी स्टाइल आपकी बाबू मुन्ना, जैसे तुम यहाँ जुड़े हो ना उसके सामने उसकी नजरों में खुद ही अपने आप को गिरा रहे हो यार, तुम तो दुनिया के सामने अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो। बोलो बाबू मुन्ना क्या है ये, कितनी एज हुई आपकी, कितनी एज आपकी? बिल्कुल, ये तो क्या आपको बाबू मुन्ना बोलना गलत है? ये तो इतने सार्थक शब्द है तो कि इसके बहुत बड़े परिपेक्ष निकलते हैं। कितनी एज हुई है आपकी, कितने पढ़े लिखे हो आप, क्या जॉब की आपने, क्या जॉब की, कहाँ दुनिया में कहाँ कहाँ घूमे हो, कितनी पढ़ाई की है? मैं क्या कह रहा हूँ, आप कहाँ दुनिया में कहाँ घूमे हो? मैंने बहुत पढ़ा भाई, मैं एम ए बी एड हूँ, एम ए बी एड हो, और मैंने हिस्ट्री से एम ए किया हुआ। हाँ ये मेरी क्वालिफिकेशन है। मैंने बीएससी, मैंने सुनो मेरी बात, मैंने बीएससी किया, फिर बीए किया, फिर एमए किया, फिर बीएड किया, फिर लॉ किया, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं मेरे बाबू। हाँ और सुनो, बीएससी का एक क्वेश्चन करो इनसे। हाँ भैया, मुझे डीएनए और आरएनए में डिफरेंस बताना। अब ये डीएनए डीएनए का, मैं क्या कह रहा हूँ, डीएनए में कितनी स्ट्रेंथ होती है और शुगर कॉम्बिनेशन क्या होता है? आपने डीएनए का नाम लिया था, हाँ या ना? आपने डीएनए का नाम लिया था तो मुझे सिर्फ, अरे छोड़ो, डीएनए की फुल फॉर्म बता दो, डीएनए की फुल फॉर्म बता दो भाई, मैं सब कुछ बता दूंगा आपको, सुनो मेरी बात, डट जा, डीएनए गूगल कर ले, गूगल कर ले, डीएनए की फुल फॉर्म बता, चल भाई, तुमने बीएससी किया है भाई, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हो, ये सुनो, नहीं, सुनो मेरी बात, नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बात पे नहीं आ रहे आप, अरे नहीं नहीं, क्या होता है, डीएनए की फुल फॉर्म बता दो, चार बार बता देते आप, हम तो दावा नहीं, डीएनए की फुल फॉर्म बता दो, हमने कहा कि नहीं, आपने डीएनए कहा था ना, आपके मुख से इस स्क्रीन के अंदर पहली बार डीएनए शब्द निकला था, डीएनए की फुल फॉर्म बताइए, नहीं तो निकलिए, जब आपको पता ही नहीं तो आए क्या करने हैं, टिंडे बेचने, सुनो बीएससी के बाद बीए, टिंडे बेचने क्या मतलब इसमें, आपने सब्जी मंडी बना दी है, सुनिए डीएनए की फुल फॉर्म बताते हो तो बताओ, सब्जी मंडी, अरे डीएनए की फुल फॉर्म बताओ, बीएससी हो ना, डीएनए की फुल फॉर्म बताओ, बताओ ना, 12वीं तक तो साइंस पढ़ी होगी, अरे 10वीं तक तो पढ़ी होगी ना यार, बीएससी तो आप दो नहीं किया, मुझे बताओ डीएनए की फुल फॉर्म क्या, गूगल कर लेते इतनी देर में आदमी यार, बताओ ना भाई डीएनए की फुल फॉर्म, मेरे से ज्यादा पढ़े हो ना, क्या हुआ, देखिए प्रीति जी आप ये क्या लेके आए यार, ये डीएनए की बात कर रहे हैं, इनको डीएनए की फॉर्म बतानी है, अभी मैं पूछ लूंगा डीएनए आरएनए में डिफरेंस क्या होता है तो इनको पता नहीं होगा, आर वन ए वन की बात कर रहे हैं उसमें क्रोमोसोम कौन सा है, मैं पूछ लूंगा तो पता नहीं होगा, ये तो बोल रहे थे कि नेवी में, अभी बीएससी कहां से उठा के लेके आए, नेवी में, अरे छोड़ दो ना, छोड़ दो नेवी में ये ड्रेस कोड होता है, ऐसे रहते हैं, अरे वो तो छोड़ दो, कोई बात नहीं,
वो हम किसी के पर्सनल इंटीग्रिटी पे क्या जाना है हमको, पर मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि भैया अभी ये डीएनए के फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे, मैं इनसे पूछ लूंगा डीएनए आरएनए में डिफरेंस क्या है, मैं इनसे पूछ लूंगा डीएनए पे शुगर कॉम्बिनेशन क्या होता है, मैं इनसे पूछ लूंगा कि भैया न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, मैं इनसे पूछ लूंगा कि भैया जो आप R1A1 की बात कर रहे हो वो किसके किस स्केलेटन के अंदर मिला है, महिला के स्केलेटन में मिला है या पुरुष के स्केलेटन में मिला है, मैं उससे पूछ लूंगा कि महिलाओं में कौन से क्रोमोसोम है और जेंट्स में कौन से क्रोमोसोम है और क्यों वो नहीं मिलता है, तो इनके तोते हरे हो जाएंगे। बोले तो सही भाई, बोलो बोलो अनिल जी। अरे गूगल कर रहे हैं यार, इतनी देर में गूगल चार बार कर रहे हैं। नहीं नहीं, उसने बीच में बोला था डीएनए का नाम, लेकिन फिर से आवाज चली गई, नाम बोलते ही आवाज चली गई, मैं सुन रहा था। अभी पता चेक कर क्या हो गया, उनको टेंशन ही हो गई है कि डीएनए के फॉर्म बता देंगे तो फिर उसके बाद चार क्वेश्चन और है मेरे पास, उनका क्या करूं। नहीं मतलब मेरे को एक समझ नहीं आ रहा है, नेवी से ये बीएससी में चले गए और लॉ सब कुछ किया है प्रीति जी, सब कुछ किया है, कोई डिग्री बाकी नहीं रखी है, आप टेंशन मत लीजिए। कोई अरे पता है चक्कर क्या होता है, पहले एक चीज करी उसमें सफल नहीं हो पाए, फिर दूसरी करी उसमें सफल नहीं हो पाए, फिर तीसरी करी सफल नहीं हो पाए। अरे डीएनए सफल नहीं हो पाए यार, आपसे 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 कोई और बात नहीं करनी मेरे को, डीएनए की फुल फॉर्म बताओ। अरे डीएनए की फुल फॉर्म बताओ, डीएनए की बात ही नहीं करनी, डीएनए की फुल फॉर्म बता दी फिर क्या दोगे आप, अरे तू डीएनए की फुल फॉर्म बताने, डीएनए की फुल फॉर्म बता, चल फुल फॉर्म बता, गाल ना बजा। इतनी देर में कुछ हुआ जी, छोटा बच्चा भी गूगल करके बता सकता था कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। चार सवाल में क्लीन बोल्ट, चार सवाल में क्लीन बोल्ट, उसका उच्चारण थोड़ा हार्ड है। नहीं सर, एक सवाल में क्लीन बोल्ट मैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, पहले नु कहता ताऊ और फिर नु कहे सुन के मानने का के ताऊ एक बहुत रिस्पेक्टेबल शब्द होता है जो अपने बड़ों को हम कहते हैं, और उसके बाद कह रहा है कि सुन के मानने का, इसके संस्कार है क्या यार, किस आदमी को ले आए हुआ, निकलो इसे। नहीं संस्कार तो है ही नहीं, ये तो सबको पता चल चुका है, वो ये सिखाया है गौतम बुद्ध ने, भगवान गौतम बुद्ध ने ये सिखाया है आपको। अरे कहां जो दिस इज योर बेसिक कर्टसी, दिस इज, नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे बात करोगे, आपको पटर पटर बोलना आता है, एक प्रश्न पूछा है, 15 मिनट हो गए हैं, 15 मिनट में 15 बार गूगल कर लो यार, बताओ ना यार डीएनए का बीएससी अनु क्या बीएससी में कौन कौन सी सब्जेक्ट, भाई बीएससी कौन सी, बीएससी फिजिक्स में ऑनर कर रहा है तू, क्या में कर रहा है बीएससी, बीएससी में कई ब्रांच है, कौन सी कर रहा है तू बताइए, उल्टी बात कर रहा है, बीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट हो। अच्छा एक बात बताओ सनातन रिविल्स, आपके हरियाणा में ये बीएससी के बाद बीए किया जाता है क्या? नहीं बीएससी के बाद तो नहीं, वैसे कर सकता है आदमी चाहे तो, बीएससी के बाद वो फ्री है, उसकी मर्जी है, बीए में हाथ मारना तो बीए में भी हाथ मार लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, तो मतलब ऐसा नहीं है कि बीएससी के बाद बीए होती है, लेकिन आदमी स्वतंत्र है, कर सकता है, मना थोड़ा ना। अरे डीएनए का फुल फॉर्म बता दे भैया, वो नहीं हो पाएगा उससे, भाई कह रहा है कि तुम्हारे वेदों में है क्या डीएनए, हम कह रहे हैं हमने दावा ही कब किया कि हमारे वेदों में डीएनए है। अरे भाई हमने कब, आपने डीएनए कहा, सुनिए इन्होंने दावा किया कि अकॉर्डिंग टू डीएनए हम विदेशी हैं, अब हम इनसे पूछे भाई डीएनए का तुम फुल फॉर्म बता दो, तो भाई साहब साइलेंट हो गए, देख रही हो प्रीता जी, ये है आपके ब्रिलियंट आदमी, इनको डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म ना है तो कुछ नहीं, डीएनए होता क्या है वो बताइए अच्छे से। अच्छा बीएससी का फुल फॉर्म पूछ लो, उनसे ये शर्त रखिए कि ये चीज को वापस नहीं लाएंगे भाई, ठीक है सबको साइंस नहीं पता होता है, हमको भी बहुत सारी चीजें नहीं पता है, ठीक है
पर जो मान के बैठे हो तो उसको क्लेम नहीं करते ना, अब जो चीज हमको नहीं पता, अब नहीं है ना यार उसके पास उतना दिमाग, रहने दो जितना है उतना यूज करे। नहीं विज्ञान दर्शन जी, मैंने सिर्फ डीएनए की फुल फॉर्म पूछी है यार, ये बंदा बीएससी बता रहा है अपने आपको और 20 मिनट हो गई है, 20 मिनट से इसने गूगल भी नहीं किया कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, और जबकि डीएनए का प्रथम जिक्र, प्रथम बार डीएनए शब्द ये इस स्ट्रीम के अंदर इसी व्यक्ति के मुंह से उच्चरित हुआ था। हाँ तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, भाड़े की डिग्री होगी बीएससी की, आप क्यों समझ रहे हो कि एकदम सीरियसली की है उन्होंने। अरे फिर भी यार डीएनए गूगल तो कर सकता है ना आदमी। एक टॉपिक पे रहिए, जो भी आप चाहते हैं वो टॉपिक पे रहिए, पर उस पे ही आप जिसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझते हैं ना वो टॉपिक लेके आइए। अच्छा चलिए, तो प्रीता जी मैं आपको, चूंकि आपके प्यारे भाई साहब तो लंबे समय के लिए कोमा में चले गए हैं, तो फिर आप देखिए शायद गूगल पर वही सर्च कर रहे हैं इंटरनेट का स्पीड थोड़ा कम है शायद, साहब पूरा इंटरनेट भी भाड़े कर रहे हैं। फिर से मेरे को म्यूट कर दिया ना, फिर से म्यूट कर दिया भाई, ये म्यूट थे, ये म्यूट थे भाई, दर्शकों किसी ने म्यूट कर दिया आदमी, किसी ने म्यूट किया है व्यक्ति, पर ये बता देता हूं ये मैं कंटीन्यूअस, मैं कंटीन्यूअस बोल रहा हूं, मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूँ, वो बोल रहा भाई चला गया, और वो और पिछले बार क्या बोला था, ये क्या बोल रहा था, एक बाप की औलाद है तू, क्या भाई, हाँ क्या मैं बोल रहा था, अब भी बोल रहा हूँ मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर आप मुझे कह रहे हो तुम विदेशी हो तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एक बाप की औलाद है तो आप मुझे साबित कर दीजिए, इसमें साबित कर दीजिए, इसमें हम तो नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे, ये नेहरू की किताब से लेके गोपाल कृष्ण गोखले की किताब से लेके डीएनए की थ्योरी तक लिखा हुआ, तुम्हारे ऋग्वेदों में लिखा हुआ है, कहां से आए हो तुम लोग, आप मुझे विदेशी बोले हो ना, ऋग्वेदों में लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है, क्या ऋग्वेद में, मंत्र मंडल सूक्त बताना, अगर अभी ऋग्वेद का एक श्लोक, मंत्र मंडल 10 मंडल है, ऋग्वेद में कितने मंडल है, किसकी ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल है भाई, 10वां मंडल, मतलब थोड़ी है, और गायत्री मंदिर भी, गायत्री मंदिर भी आपने लिया गया है, क्या क्या मतलब, ये मेरी उसकी वो मतलब, आप कहाँ से आ गए, अरे श्लोक कहाँ से आ गए, नहीं यार वो रुक जाओ ना, अरे श्लोक कहाँ से आ गए ऋग्वेद में, क्यों श्लोक है, अभी ये नहीं पता कि श्लोक भी है उसमें, ऋग्वेद में 1028 श्लोक है, हंसो सारे खुशियां मनाओ, ऋग्वेद में श्लोक है, हाँ क्यों नहीं है, अब बीच में मत बोलो यार, मुझे बात करने दो, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आप एक ना एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, हम इस चीज पे बहस कर रहे हैं कि हाँ भाई ऋग्वेद, मैं नहीं बहस कर रहा सर, आपने ही क्लेम किया ना, आप कह रहे हो कि ऋग्वेदों में लिखा हुआ है कि हम विदेश से आए, मैं कह रहा हूँ मंत्र बता दो, आप लोग तो ये प्रचार करने पे, मंत्र बताओ ना, सुनो मेरी बात, आप लोग तो ये प्रचार, आप लोग तो ये प्रचार कर रहे हो, बताओ कि जिसमें लिखा है कि मैं विदेशी हूँ, वो मंत्र दिखाओ मेरे को जिसमें लिखा है कि मैं विदेशी हूँ, मंत्र दिखा भाई, सारे दावे तू ही दे रहा है, मैंने प्रमाण मांगने पे बताओ, मैंने सो जा रहा है, मैंने ये कहा कि मंत्र गाल क्यों बजा रहा है, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा था कि मंत्रों में ब्राह्मण विदेशी, कुछ पता ही नहीं है ना, तू पढ़ सक, ना तू संस्कृत पढ़ पा रहा है, ना तू पाली पढ़ पा रहा है, ना तुझे डीएनए के फुल फॉर्म पता है, ना तुझे अपने बारे में कुछ पता है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि ये जो आ रही है ये उत्तर ध्रुव से आई थी, तुझे इतना बड़ा चैलेंज दिया कि तू अगर अपने ही बाल गंगाधर तिलक की बुक है, बाल गंगाधर अपने बाप की औलाद है ना, तो सुन, अपने बाप की औलाद है तो सुन, बाल गंगाधर तिलक की बुक है, आर्कटिक होम, तू अपने बाप की नहीं है, आर्कटिक होम, अरे तू अपने बाप की नहीं है, मैं तो हूँ, तू अपने बाप की नहीं है, मैं हूँ, मुझे विदेशी आप साबित कर, अरे मैं कह रहा हूँ मैं तो हूँ भाई, मुझे मेरा डीएनए लेके मुझे विदेशी साबित कर, ठीक है, मेरे डीएनए के हिसाब से मुझे, तुम्हारा तो डीएनए मैच ही नहीं करता, मैच ही नहीं किया भाई, साबित करना, सिंधु घाटी, तू सिंधु घाटी सभ्यता में पैदा हुआ था, तेरी सारी सकल सूरत मनुवादियों से 100% मिलती है हूबहू, अभी तू अपना डीएनए करा ले तो पता नहीं कौन निकलेगा, बड़ा आया डीएनए पे बात करने वाला, तुझे डीएनए की फुल फॉर्म नहीं पता है, डीएनए करा ले, कौन सा नशा कर रहे हैं,
कितने बजे बैठते हैं? कुशवाहा जी, कुशवाहा जी जब ये बोले आपसे, बोले आप इनसे एक प्रश्न कर लेना कि जो राखी गढ़ी में जो डीएनए जो स्टडी हुई है उसके लीड साइंटिस्ट कौन है, ये नाम बता दे बस। बस ये इसका वैसे किसने किया था कुछ पता नहीं है यार, कुछ नहीं है। जिस स्टडी के ऊपर ये बोल रहे हैं ना उसको इन्होंने वो स्टडी खोल के पढ़ी नहीं है, असल में समझ में आएगी भी नहीं। सेल्फ अवेलेबल है, वो फ्री अवेलेबल है भाई, लेकिन वो समझ में आएगी नहीं क्योंकि उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है, वो अच्छा, मुझे भी समझ में नहीं आई तो नहीं, बहुत मुश्किल से इसे पढ़ के समझा। बोलेंगे अभी दर्शकों को बोलेंगे कि ये चुप हो गया बंदा, खुद चुप हो गया, म्यूट नहीं किया किसी ने और कह रहा है कि मेरे म्यूट क्यों करते बैठे हो। नहीं मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है, अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो बता दूंगा, अभी म्यूट नहीं किया है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है मेरा, अगर कोई बताएगा कि म्यूट किया है तो मैं बता दूंगा। मुंह पे सटर लगा के बैठ गया और कह रहा है कि मुझे म्यूट किसने कर दिया, मुझे नहीं आंसर है भाई, बोल दे कि तेरे को कुछ नहीं आता, हेलो चला जाए यहाँ से। हेलो, अच्छा हाँ, हेलो 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 सुन पा रहे? हेलो हेलो सुन पा रहे? अरे फिर गया ये, फिर चला गया, फिर ये भाई साहब चले गए और भग लिया फिर से, अब फिर कहेंगे कि मेरे को निकाल क्यों दिया। मैं एक मिनट कुशवाहा जी, ये आपसे भी इसी तरह से बात करते हैं यानी इतनी बदतमीजी से? नहीं नहीं सर, मैं बेटा को से कहना चाह रही हूँ कि मैं फोन से इतने अच्छे से बात करती हूँ जैसे इससे अच्छा इंसान कोई और हो ही ना, इतने पीसफुल इतने शांति से सुनते भी है और बात अपने आर्गुमेंट्स भी रखते हैं, ऐसे इन्होंने कभी नहीं किया है। हेलो हेलो आवाज आ रही है? सुन पा रहे? हेलो हाँ कह रहा हूँ वोल्गा टू गंगा पढ़ो आप। नहीं राहुल सांस्कृतन की बुक है वोल्गा टू गंगा, कौन है राहुल सांस्कृतन लिखा वो? ठीक है, कौन है कौन है राहुल? मैं क्या कह रहा हूँ, विनायक सावरकर, विनायक सावरकर ने खुद, हाँ मैंने पढ़ी है ना, मैं पढ़ा, ठीक है पढ़ा है मैंने पढ़ा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की शांत हो जा भैया, शांत हो जा। ये कह रहे हैं कि मैं वोल्गा से गंगा पढ़ा हुआ हूँ, उसी वोल्गा से गंगा में लिखा हुआ है कि अनार्य जो है वो शिष्ण पूजक होते हैं। क्या? अनार्य जो है वो शिष्ण पूजक होते हैं, और शिष्ण किसको कहते हैं सबको पता है, तो फिर ये भी एक्सेप्ट करो। लो हम भी तो वहीं पे हैं, हम भी तो आपके पड़ोसी हैं। नहीं तुम तो अनार्य है ना? क्या नहीं, तुम तो अनार्य हो ना, तुम अनार्य हो ना? नहीं ये आर्य, आर्य और अनार्य वर्ड, तुम अनार्य और अनार्य बताओ पहले, वर्ड भी तुम्हारे पास लिखे हुए हैं। मैं क्या कह रहा हूं, तुम अनार्य हो कि नहीं? आर्य अनार्य हो कि नहीं? हां हैं हम, हम मूल्य मूल्यवासी बोलो ना, क्या शर्म आ रही? क्या मूल्यवासी बोलो, मूल्यवासी बोलो, अरे भाई मूल्य पूजक हो, किसके पूजक हो? तुम शिष्य के पूजक भाई, मूल्यवासी जैसा कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं है, तो क्यों बोले मूल्यवासी बोलो यार, शर्म आ रही है क्या लोगों को? क्यों बोलूं कॉन्स्टिट्यूशन की सारी बात मान रहे हो? क्यों बोलूं मैं, क्या करूं कॉन्स्टिट्यूशन की सारी बात मान रहे हो? जवाब करो, कॉन्स्टिट्यूशन में तो भारत, भारत दैट इज इंडिया लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इससे पहले तो तुम लोगों ने, तुम गुरुकुलों में तो पढ़ाने के अधिकार तक नहीं दिए थे तुम्हारे बाप दादा ने, तो गुरुकुल में तुम्हारे बाप दादा पढ़ते थे अंग्रेजों के सर्वेक्षण में, अंग्रेजों के सर्वेक्षण में तुम्हारे बाप दादा गए थे वहां पे 1821 और 23 में जो सर्वेक्षण हुआ था जिसमें, ये भाई कितना पढ़ा है तू, क्या 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 कुछ जानता भी है? तू कितना पढ़ा है गुरुकुल में? तुम्हारे बाप दादाओं ने तो गुरुकुल में पढ़ने का अधिकार, अभी भी राजस्थान की घटना है, राजस्थान की घटना है, वो झड़ा सोने पर मार दिया, 21वीं सदी की घटना है, ठीक है? बोला कभी बोला झूठ मार दिया, ये झूठ है, मटकी वाले मार दिया, ये झूठ है, ये चीजें हो, हां झूठ है, दो बंदों को मार दिया अभी पानी पीने से, और उस टाइम पे तुम्हारे बाप दादाओं ने क्या किया, एक ऐसी व्यवस्था बना दी, एक ऐसी व्यवस्था बना दी इसमें, मेरी बात सुनो, झूठे वेद में लिखी हो तो बात करियो, सुन गाल ना बजा ऐसे मुद्दों पर, मेरी रिक्वेस्ट है इनसे है हम उस पर बात करना चाहिए, चूल्हे से उतरकर कुर्सी पर बैठकर बात करें। हाँ बिल्कुल, चाहे राजस्थान की घटना हो, ये कह रहे हैं कि मुझे गुरुकुलों में पढ़ने नहीं दिया जाता था, जबकि जो सर्वेक्षण हुआ 1821 या 22 की समथिंग, और वो ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल है, जाके देख लो भाई, अंग्रेजों ने खुद सर्वेक्षण करवाया और उस समय भारत की
दक्षिण भारत और उत्तर उत्तर भारत में मैक्सिमम जो मेजोरिटी जो शूद्र थे वो सबसे ज्यादा गुरुकुलों में पढ़ते थे। और कुशवाहा जी सर्वे का नाम है, थॉमस मुंड्रो का सर्वे था, ठीक है। और इस सर्वे के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, और उसमें मैंने सर्वे के डॉक्यूमेंट जो उस टाइम जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स थे और असिस्टेंट कलेक्टर्स थे उनके उदाहरण दिए हुए। अरे रुक जाओ यार, आप बीच में क्यों? अच्छा है रुक जाओ, पढ़ ले पहले। अब दूसरी बात, आप कह रहे हो वेदों में मंत्र रखा है तो आपको, अरे रुक जा भाई, आपने प्रश्न उठा दिया, आप जवाब देने दो, आपने प्रश्न उठा लिया, आप जवाब देने दो। सुनो सुन इधर, हाँ तुमने अगर दावा किया, एक मिनट, इन्होंने अगर दावा किया कि भाई नहीं पढ़ने देते थे, ये हमारा रिपोर्ट नहीं है, ये थॉमस मुंड्रो का रिपोर्ट है 1821, और इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि भारत के गुरुकुलों में कौन कौन पढ़ने जाते थे और किसकी कितनी आबादी थी, यानी किसका कितना परसेंटेज था उनका। आप कहें तो मैं सर्वे भेज दूं। सुनो, ये कहता है कि अंग्रेज तो हमारे माई बाप थे, उन्हीं लोगों ने भारत में हमारी स्थिति को सुधारा, और अंग्रेजों की रिपोर्ट को अब कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे। क्या आदमी है ये, क्या आदमी है ये, तो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडिस्ट लग रहा है मेरे को। नहीं, वोल्गा टू गंगा पे तू भाग गया, वोल्गा टू गंगा पे जब बात हुई तो वहां से तो भाग लिया है। वोल्गा टू गंगा की बात कर रहा है, उसमें साफ साफ अनारियों को शिष्य पूजक लिखा गया है, और ये लिखा गया है कि वो अपने पुरोहितों के साथ क्या क्या करते हैं। अगर किसी को जाके पढ़ लियो भाई, तू समझ रहा है कि तू जिन किताबों को हमारे सामने रखेगा हम अनपढ़ लोग, हमने पढ़ा नहीं है, तो भाई तुम अभी चैनल पर हमारे पहली बार आए हो या देखते भी होगे। लेकिन कुशवाहा जी मैं आपको बता देता हूँ, 17 अगस्त 1823 को दिखा दो उसके लिए मुझे 10 मिनट लगेंगे, लेकिन अभी पहले सुन लो। 17 अगस्त 1823 को बेलेरी के जो कलेक्टर थे, जो थॉमस मुंड्रो जो पूरी जो डिस्ट्रिक्ट थी जब उसमें करवाया गया था, तो उनका रिप्लाई फाइल हुआ था, और उन्होंने बताया था कि यहाँ 533 इंडिजिनियस स्कूल हैं, 6641 विद्यार्थी पढ़ते हैं, 6398 हिंदू विद्यार्थी हैं, और 243 मुस्लिम विद्यार्थी हैं। गुरुकुलों में थियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ और लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। अब यहाँ पे आती है काम की बात, गणित में बालक गिनती, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रिडक्शन ऑफ मनी, मेजरमेंट, फ्रैक्शन। अरे रुको यार, रुको, सुन लो पहले, सुनना सीखो, दो कान है। तक्षशिला से लेके जो 29 यूनिवर्सिटीयां हैं वो बुद्धिस्टों की यूनिवर्सिटीयां थी उनके। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अरे सुनो, अब वापस बच गए, अभी अंग्रेजों पे थे ना, अंग्रेजों पे रहो, सुनो, यहाँ लिटरेचर में मुख्यतः बलेरी के कलेक्टर का जवाब सुनो, लिटरेचर के मुख्यतः रामायण, महाभारत और भागवत पढ़ाए जाते थे, और ये ग्रंथ सभी जातियों के बालक बिना भेदभाव के पढ़ते थे। ये मैंने नहीं कहा मेरे भाई, 17 अगस्त 1823 का बेलेरी के कलेक्टर का रिप्लाई है, थॉमस मुंड्रो सर्वे टाइम का। और जहां तक बात रही वेदों की, तो आप सुन ले, सम्मानो मंत्र समिति सम्मानी सम्मानम मनः सचित मेषाम सम्मानम मंत्र भव्यंत्रे वह सम्मानेन वो अभिषा जुआमी, अर्थात हे समस्त नरनारियों, तुम्हारे लिए ये मंत्र समान रूप से दिए गए हैं, तथा तुम्हारा परस्पर विचार भी समान रूप से हो, तुम्हारी सभाएं सबके लिए समान रूप से खुली हुई हो, जन्मगत भेदभाव उनके अंदर ना हो, तुम्हारा मन और चित समान तथा मिला हुआ हो, मैं तुम्हें समान रूप से मंत्रों का उपदेश करता हूँ और समान रूप से ग्रहण करने योग्य पदार्थों को देता हूँ। बोल भाई, अंग्रेजों का दे दिया, थॉमस मुंड्रो का दे दिया, अब और इससे पहले की अगर जाना है तो कुशवाहा जी कंटिन्यू। पल्ले पड़ी कुछ मुन्ना? फिर से म्यूट कर दिया यार, ये म्यूट कर, अरे स्क्रीन म्यूट क्यों कर दिया यार, कुछ भी बोल रहे हो, अभी अनम्यूट किया है अभी अनम्यूट किया है, म्यूट मत कर, ठीक है चलो बोल लो ये अपनी कहानी बताने के लिए म्यूट कर दे रहे हो और मेरी सुन ले रहे, अब बोल दो। अरे यार, मतलब जहां पे भी फंसते हैं ना, तो जहां तो फंसते, अरे सुन ले यार, अभी सुन तो ले, अभी तुमने तो म्यूट करके, तुम्हारे पास ऑप्शन है, अपनी बात बोल देते हो, मैं बोलता हूँ तो फिर बीच में शुरू करते हो। जहाँ पे भी फंसते हो ना, तो तुम लोग डीएनए की फुल फॉर्म, बाबा साहब का भी वो दे देते हो, डीएनए की फुल फॉर्म, अंग्रेजों का भी वो दे देते हो, डीएनए की फुल फॉर्म, अंग्रेजों से आपके सर अब तक जवाब नहीं आया है, फंसे आपसे अब तक जवाब नहीं आया है, डीएनए की फुल फॉर्म दो बार बोल चुका भाई, एक बार और बोल दो यार, जो सुन रहे हो एक बार और बोल दो, क्रांतिकारी व्यक्ति हो। मैं क्या कह रहा हूँ सुन लो मेरी बात, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन लो अभी, ठीक है। अरे भैया सुनो, आपके पहले वाले प्रश्न का जवाब तो हो जाए, होते हैं उसमें कितने क्रोमोसोम है। अरे ना, मैंने ये नहीं पूछा था आपको, प्रश्न ही आपको प्रश्न ही समझ में नहीं आया, मैंने ये पूछा था कि राखी घड़ी का जो लीड साइंटिस्ट है कौन है, राखी घड़ी पर रिसर्च करने वाला। अरे
बहस ना आगे नहीं अड़े हाँ, यू ना करे सुन मेरी बात सुन मेरी बात सुन मेरी बात अरे डट जाने यार बोले जा है बहस ना आगे नहीं अड़े लेड साइड इसमें बता रहा हूँ वो अरे लीड लीड साइंटिस्ट की भी रिपोर्ट चेंज करवा दी बाद में 2018 में दोबारा दोबारा चेंज करवा दी उसका ठीक है अरे वाह जी वाह क्या बात है सेल का नाम सुना है सेल का नाम सुना है जर्नल का उनको ये पता था यार अगर ये चीज रिपोर्ट अगर सामने आएगी ना फिर तो बड़ा भाई फंस गए क्योंकि जो 13 दर्शकों ये डीएनए साइंटिस्ट बन गए हैं अब ये डीएनए साइंटिस्ट बन गए हैं कुशवाहा जी मैं इस व्यक्ति से बात नहीं कर सकता भैया अब आप ही करिए एक्सपोज हो जाएगा तुम्हारा फिर बोला नहीं 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 ये भाई ये भी मतलब आप मानते हो एट प्रेजेंट डीएनए आपकी बात को नहीं मानता ये देखो मानते हो ना विदेशी जब विदेशी साइंटिस्ट 13 देशों के साइंटिस्ट थे तब तो बोले नहीं ये विदेशी है अरे नहीं उसके बाद बोले नहीं अरे नहीं अभी सिर्फ ये दो ही बंदे करेंगे ये दो ही बंदे इसका टेस्ट करेंगे भाई मेरे को सिर्फ ये बता दे राखी गढ़ी पे रिसर्च साइंटिस्ट कौन है नाम तो बता दे अरे कहानी मत सुना नाम बता दे रिसर्च साइंटिस्ट कौन है राखी गढ़ी पे रिसर्च करने का नाम के है री के कर रहा है नाम बता तू इतनी देर तक डीएनए कर रहा है नाम बता दे कि बता दे मिलता है मन से बेरा है मैं तेरे देखूं तेरे कितना बेरा है कदे तने साइंटिस्ट के नाम गाल कदे तने किसी गाल बजा लग जाए जब देखो आ गए 15 बार तू टॉपिक चेंज कर चुका आदमी पजामा है कुशवाहा मैं इस व्यक्ति से बात नहीं कर सकता आई एम सॉरी आई एम लिविंग द स्ट्रीम बट ही इज अ डम फेलो आई कैन डिबेट विद हिम इसको डिबेट का कुछ अर्थ ही नहीं पता सभी भागोगे वे टिक गया भाई टिक गया ले हट जा बता साइंटिस्ट का नाम बता साइंटिस्ट का नाम बता ये नहीं कर सकते ले कोने गया नाम बता साइंटिस्ट का चल अच्छा एक मिनट अनिल जी हम तो कहां अनिल जी प्लीज हल्ला मत मचाइए अरे मैंने तो मेरा है मैंने तो थोड़ी पढ़ रखी है तू अपनी बता थोड़ी आ रहा हूं यार जब तेरा ना है क्या है बेरा सब्जी मंडी बना रहा क्या है बेरा हो तने संस्कृत का बेरा नहीं संस्कृत का बेरा नहीं तने न्यू बेरा नहीं वेद में मंत्र हो श्लोक हो तने न्यू बेरा अरे डर जा उसने ग्रेजुएशन कौन से स्कूल से करी थी उसके प्लस ये चीज वो चीज जो इजीली अवेलेबल है इजीली अवेलेबल है नेट पर चेक कर ले एक मिनट मैं बात कर सकता हूँ इनसे पांच मिनट गूगल है ना कर ले गूगल है चल तेरे को गूगल करके दिखा रहा हूँ मैं गूगल अवेलेबल है भाई चेक कर ले कौन कौन साइंटिस्ट थे ले देख ले देख ले कौन कौन साइंटिस्ट थे चेक कर ले अरे कौन कौन साइंटिस्ट थे चेक कर ले गूगल देख ले भाई ये ले गूगल पता चल जाएगा तुम्हें ये गूगल देख अरे गूगल ये देख मुझे बताओ कि तुम्हें नेवी में लिया किसने तुम्हें नेवी में ही डिसिप्लिन सिखाते हैं देख गूगल तो बजा तुम हां ये देखो कैसे लेडीज से बात कर रहा है चुप हो जा तू ये स्त्रियों से बोलने का सम्मान है इनको वाह क्या बात है यार कम से कम महिलाओं से तो बात करने की तमीज सीख ले ये मेरी दोस्त है ठीक है ये मेरी दोस्त है अब दोस्त है तो क्या तमीज मेरे से मत देखो ये तो कह रहे तू दोस्ती नहीं इनका और तू कह रहा तेरी दोस्त है देखो ये इसको बोलते हैं सिंप चेप क्या बोल दिया और खुद ही चेप हो रहे हो खुद ही वो कर रहे हो एक बात बताओ इससे खुद पूछ ले यहाँ पे इसका एड्रेस किसने इसने खुद कितने बार कॉल करके बताया बोले वहाँ पे जाना है ट्रेस करिए ठीक है अरे तो उसने मना कर दिया ना उसको ना दो दोस्त हो जाएगा उसने पब्लिकली मना कर दिया ये नहीं होना कि ये तुम्हारे दोस्त हैं और ये कह रहे हैं कि ये मेरा दोस्त नहीं है तू जबरदस्ती दोस्त क्यों बन गया कौन कह रही है कुशवाहा जी थोड़ा देखिए कुशवाहा जी थोड़ा देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए ये तो बिल्कुल यार मतलब कौन कह रही है दोस्त नहीं है क्या आदमी हो यार तुम भाई ये अच्छा अब क्या आदमी हो तुम्हारे साथ ये कॉल खोल रहा हूँ तो तुम्हारे क्या आदमी हो मतलब यार जानते हो अरे ये इतना बड़ा धंधा इतना बड़ा बिजनेस जो तुम लोग चला रहे हो भगवान के नाम पे देश में ये मंदिर बना बना के लोगों की जो पाखंड फैला रखा है तुम लोगों ने ये तो अधिकार है हमारा संवैधानिक अधिकार उसको ये हमारा संवैधानिक अधिकार है संवैधानिक अधिकार ये नहीं है पाखंड फैलाना संवैधानिक अधिकार है साइंटिफिक टेम्परामेंट को
को बढ़ावा देना। तेरे को साइंस के चार चीज नहीं आती, ठीक है? तेरे को साइंस के चार सवाल नहीं आते, किसको नहीं आती? टेम्परामेंट हमको सिखाएगा? मेरे को बेसिक आते हैं ना भाई, साइंस की तो किसी को भी नहीं आती। अब मैं बोलूं ब्लैक होल के अंदर क्या है तुम्हें पता है? अरे सुन ले ना, क्या कह रहा हूँ सुन ले, ब्लैक होल के अंदर क्या है तुम्हें पता है? चार क्वेश्चन नहीं आएंगे। सबसे सिंगुलैरिटी कौन सा है बताओ? सिंगुलैरिटी भाई, ब्लैक होल के अंदर सिंगुलैरिटी में क्या होता है? सिंगुलैरिटी में क्या होता है बता? सिंगुलैरिटी में क्या होता है? अरे डब्बे आदमी तो सिंगुलैरिटी का अर्थ नहीं पता। गूगल कर ले, गूगल अवेलेबल है। तेरी लाइन तेरे ऊपर, तेरी लाइन तेरे ऊपर, गूगल अवेलेबल है। व्हाइट होल क्या होता है? ना तू का भाई मत, तू गलत बात बोल रहा है। स्ट्रिंग थ्योरी क्या है? अब मैं पूछ लूंगा इससे, स्ट्रिंग थ्योरी क्या है? स्ट्रिंग थ्योरी बता दो भाई। मैं उस चीज पे, मैं उस चीज पे जा ही नहीं रहा। मैं क्या कह रहा हूँ? अब देखो कह रहा, मैं उस चीज पे जा ही नहीं रहा, जानता मैं पूरी बात। यहाँ पे हम साइंस की वो करने के नहीं बैठे हैं कि तुम्हें कितनी पर्टिकुलर नॉलेज है या तुम्हें कितनी पर्टिकुलर नॉलेज है। ठीक है, ठीक है, मैं इसका मतलब बताओ यार सामने जो है। एक मिनट, नहीं आती तो ऐसा ही बोलते हैं सब। सारे रुक जाओ, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। सर कह रहे हैं भले आपको साइंस घंटा कुछ नहीं आता, लेकिन हम साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात जरूर करते हैं। ठीक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं, तो जरा ये साइंस समझाइए, ये साइंस। अरे भाई बताओ, ये साइंस समझा मेरे को। से पैदा हुए थे ये साइंस समझा, ये है, ये साइंस है, साइंस है ये। हाँ ये समझा। और उसके मुंह से बच्चे पैदा हुए थे, हाथ से बच्चे पैदा हुए थे, पेट से बच्चे पैदा हुए थे, पैरों से बच्चे पैदा हुए थे, ये साइंस है। और पार्श्व से भी हुए थे, पार्श्व से भी हुए थे। ये जो गंगा एक नदी है, गंगा एक नदी है, गंगा ने बनाई, उससे बच्चे पैदा कर दिए तुम लोगों ने यार। अरे तूने कैसे पैदा कर दिए तुम लोगों ने? नदी से बच्चे पैदा कर दिए हाथी से? और नदी क्या हाथी से तूने कैसे कर दिया? और नदी कहाँ से निकल रही है? सर से निकल रही है। हाथी से तूने कैसे कर दिया? सर से निकल, हाथी सपने में आके कैसे प्रेजेंट कर सकता है? कौन हो गया, कौन हो गया, कहाँ कहाँ हो गया? उसको सपना आया था, उसमें लिखा हुआ है सपना आया था, सपना आया था, दिख गया मेरे को वो सपना आया था, ठीक है? और ये तुम्हारी, ये जो तुम्हारी, चल दिखा सब, कहाँ पे लिखा है सपना लिखा हुआ? दिखा दे, चल जूम कर रहा हूँ, सपना लिखा हुआ दिखा दे। गूगल गूगल लिखा दिखा दे, ये तूने, मैं क्या कह रहा हूं, सपना लिखा दिखा दे। एक ही चीज तूने पकड़ ली, सपना लिखा दिखा दे। ये क्या दिखा रहा है? ये एविडेंस है क्या? एविडेंस है, गाल ना बजा, ये गाल ना बजा, गाल का बजा दी तेरे को। सुन ना इधर, यो आर्कियोलॉजी है, सपने में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारे तुम्हारे ग्रंथों में तो लिखा हुआ है भाई, फंस रहा है, गाल बजा रहे हैं, ग्रंथों में तो गाल बजाने लगा, तुम्हारे ग्रंथों में तो लिखा हुआ है, तुम्हारे ग्रंथों में तो लिखा हुआ है, तुम्हारे, मैं कह रहा हूं, ग्रंथों में तो लिखा हुआ है, मेरे ग्रंथों में तो लिखा हुआ है। सुन वे भाई, तू एकदम ढक्कन आदमी है। मैं कह रहा हूं कि हमारे ग्रंथों में बहुत बुराई है, इसीलिए तुम हमसे नाराज हो, तुम गुस्सा हो, लेकिन तुम जिस चीज को मानते हो उसमें कितनी अच्छाई है ये तो प्रूफ करो। कम से कम प्रीता जी, इसीलिए तुमको यहाँ पे बुला के लाई है ना, कि तुम जितनी जितनी बातें बुद्धिज्म के बारे में क्लेम करते हो उनके सामने, उनको तुम प्रूफ कर सको यहाँ पे। जो कमल के फूल की बात करें, कमल का फूल एक चक्र होता है जो पेट के साइड होता है, और उस चक्र को हम कमल कहते हैं संस्कृत में। और वहां से एक एनर्जी निकली थी ब्रह्मा जी की, जिससे जिन्होंने सृष्टि का मतलब सर्जन किया था। सॉरी, हम उन बातों का यहाँ वर्णन नहीं करते जिसको हम प्रूव नहीं करते। क्या है, कुछ चीजें मैथोलॉजिकल होती है, उन पर हम डिस्कशन नहीं करते। हम इनसे बस ये पूछ रहे हैं, भैया कह रहे हैं कि ये तो सपने की बात है। मैं कह रहा हूँ अगर ये सपने की बात है तो ये दिखा दें, इस पत्थर पर कहाँ सपना लिखा हुआ है। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आपको कहीं सपना लिखा हुआ दिख रहा है? ऊपर वाला पत्थर दिखा, यहाँ देखो, ये पूरा हमने आपको पत्थर दिखा दिया, इसमें बताओ सपना कहाँ लिखा हुआ। कुशवाहा जी यही बोल रहे थे कि हम शिलालेख मानते हैं, शिलालेख मानते हैं। अब शिलालेख में आप शिलालेख दिखा रहा हूँ तो गाल बजा रहे हैं। शिलालेख मानते हैं, ले भाई शिलालेख, ये तुम्हारे दादा अशोक और उनका ये कालसी का चट्टान पर लिखा हुआ अभिलेख है, और उन्होंने लिखवा रखा है गजोत्तम। गजोत्तम मतलब श्रेष्ठ हाथी, और नीचे लिखा है किसके प्रतीक है ये, तो भगवान गौतम बुद्ध के प्रतीक है। कौन? तो हाथी। अरे भाई साहब पूछ रहा है कि अभिलेख मानेंगे क्यों भाई, अपनी बारी आई तो भाग गया। देख रहे ना प्रीता जी, ये फिर से भग लिया है, नहीं कहीं पैनल में भाग गया। हाँ सर, आ गया। अरे तुम बार बार भाग क्यों जा रहे हो अनिल भाई, भाग क्यों जा रहे हो?
पर वो गजोत्तम वो वाला भगवत उकृति तो दिखाइए। हाँ ये रहा भगवत उकृति, ये अभिलेख मानते हैं ना। यहाँ पर बताओ कहाँ लिखा है सपने की बात, यहाँ पर तो लिखा है भगवत उकृति, यानी कि भगवान बुद्ध का ऊपर से आकर गर्भस्थापन। धम्मलिपि प्राकृत में लिखा है ये। बिल्कुल, बताओ इसका उत्तर दो भैया। हमारे ग्रंथों में ऐसे लिखा है, वैसे लिखा है, ये लिखा है, इसीलिए तुम हमको छोड़ के चले गए। तुम ये मानते हो हमारा धर्म में पाखंड है, तुम इसलिए हमको इग्नोर करते हो। लेकिन तुम्हारे धर्म में क्यों पाखंड है, सवाल तो ये है ना। नहीं हम क्या कह रहे हैं, खीर खाने से बच्चे पैदा हो गए, और नहीं वो कौन सा वरा, वरा नहीं होते वरा, लेकिन हाथी के गर्भ में आने से भी तो बच्चे पैदा नहीं होते। सुनो ना इधर, वही तो कह रहा हूँ, बच्चे पैदा नहीं होते। अवतार हाथी के सपने में आने से कौन से समुद्र में लेके गए। अरे भैया हाथी के सपने में आने से बच्चे पैदा होते हैं, सपने आते हैं भाई। हाथी में कौन कह रहा है कि हस्बैंड दिखाता हूँ ना मुन्ना, ठीक है। सुनो मेरे, सुनो वो वरहा अवतार था, वो धरती को, धरती को, धरती को समुद्र में लेगा धरती। अरे ये चीजें मत बता, ये चीज मत बता, मुझे मत बताओ, ठीक है। मेरी बात वरहा अवतार था, सुन इधर, अपनी बात पे क्यों नहीं बात कर रहा, देख रही है ये सिर्फ ये सोच रहा है कि भाई कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ यही पाखंड तो दिखा के मेरे से अलग हुआ, कह रहे हम पाखंडी है, लेकिन तू वैज्ञानिक है ये क्यों नहीं प्रूफ कर पा रहा। मैं बात कर रहा हूँ तेरे पे कि भाई हाथी स्वप्न में आया, अगर तुम ये क्लेम कर रहे हो कि स्वप्न में आया हाथी, तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि सपने में तुम्हारे कितने बार हाथी आया और तुम कितनी बार प्रेग्नेंट हुए लाइफ में सपने में। नहीं सर, अगर ऐसा कह रहे हैं कि चलो एक सपना था, तो और ये भी तो है कि बुद्ध पैदा होने के बाद तुरंत 7 स्टेप्स चले थे, तो वो भी तो कोई नहीं कर सकता ना पैदा होने। नहीं देखो बहन, मैं बता रहा हूँ ये कह रहे ना सपना था, ये देखो सपने की पुल अभी यही खुल जाती है। ये देखिए इनका पुस्तक है, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ललित विस्तार, और ये आप पढ़ लीजिए। ये देखिए जब माता महामाया के गर्भ में जब हाथी प्रवेश करता है, तो वो वहाँ पे उसका वर्णन करती हैं और कहती हैं कि हीम एवं रजत के समान श्वेत 6 दांतों वाला, सुंदर पिघले पैरों वाला, सुंदर अग्रे पैरों वाला, सुंदर लाल सिर वाला, मनोहर गति वाला, वज्र के समान दृढ़ अंगों की गांठ वाला श्रेष्ठ हाथी पेट में समा गया। अब सुनिए क्या कह रही हैं, ऐसा सुख मैंने कभी नहीं देखा था, न सुना था, न ही भोगा था। अब एक बात बताइए, हम सपने में हाथी का सुख भोग सकते हैं क्या, बताइए। बिल्कुल नहीं। यहाँ पर तो कह रही हैं कि मैंने ऐसा सुख कभी देखा नहीं था, ना सुना था। सपने में हम हाथी को सुन सकते हैं, चलिए ठीक है सुन सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन भोग तो नहीं सकते ना। ध्यान में मानो समाधि लग गई हो, ऐसा काया सुख और चित्त सुख। अब देखिए हाथी आया सपने में और सुख कौन सा मिल रहा है, तो काया को और चित्त को। भाई काया को सुख कैसे मिल सकता है अगर सपने की बात थी, तो बताइए। काया का मतलब समझती है ना, शरीर। तो काया सुख कैसे मिला जब हाथी स्वप्न में आया, तो यहाँ पे काया सुख और चित्त सुख कैसे हो गया, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये बस मेरा सवाल है, मैं ये जानना चाहता हूँ। उसके बाद देखिए रानी स्वप्न देखने के बाद, जैसा कि क्लेम कर रहे हैं कि ये स्वप्न वर्णना है, अब ये स्वप्न वर्णना के रूप में इन्होंने यहाँ पे चित्रित तो जरूर किया है, लेकिन सवाल तो उठेंगे जैसे ये रामायण पर उठाते हैं कि भाई खीर खाने से कैसे। तो मैं भी यही तो पूछ रहा हूँ कि सपने में काया सुख कैसे पा लिया, और अभी पुल खुल जाएगी कि हाथी अभी ऊपर खुद एक देवता बताने वाले हैं कि हाथी सच में आया था। ये देखिए तदंतर माया देवी जिनके वस्त्र भूषण जान पड़ता था। अब देखिए जब सपना आ रहा था उस समय माता महामाया जी अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी। स्वप्न देखने के बाद से वो उत्तम सेज से उठकर स्त्रियों से घिरी हुई आगे बढ़ती हैं और श्रेष्ठ राजमहल के शिखर से ऊपर आकर वहां पर अशोक वाटिका जहाँ थी वहां पर जाती हैं। वो अशोक वाटिका में सुख से बैठी, और अब देखिए अपने सेज से उठती हैं
फिर अशोक वनिका में जाती हैं और वहां पर बैठती हैं, और उसके बाद से तब अपनी दासियों को ये आदेश करती हैं कि जाओ राजा को बुला करके लाओ। यानी कि जब वो स्वप्न देख रही थी उस समय राजा उनके पास नहीं थे। तो फिर ये बात ये भाई साहब कैसे क्लेम कर रहे हैं कि भैया ये तो स्त्री पुरुष उनका पुरुष उनका पति तो था ही। मैं पूछ रहा हूँ उनका पति था तो पास में तो उस दिन था ही नहीं, वो तो कहीं और था जब स्वप्न में जब वो स्वप्न देख रही थी। उसके बाद का वर्णन देखिए उस बात यहाँ पे एक विज्ञान निकल के आया है कि औरतों का रात्रि का स्वप्न आ जाए तो ये पहचान होती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई। जबकि हाँ। आजकल प्रेगनेंसी कैसे चेक की जाती है भाई, या तो प्रेगा न्यूज से चेक करते हैं या पीरियड नहीं आ रहे उनसे करते, और इनके यहाँ कैसे करते हैं, सपने में हाथी आ गया घुस गया तो प्रेग्नेंट हो गए। क्या साइंस है। और एक बचे की बात यह भी है इसमें, एक चीज और समझने वाली है कि ये जो भाई साहब क्लेम करते हैं कि नहीं स्वप्न था, ठीक है मैं एग्री करता हूँ स्वप्न ही मान लूं अगर थोड़ी देर के लिए, तो भी आपने रात में स्वप्न देखा और सुबह प्रेगनेंसी हो गई, सुबह आप हल्ला करने लगे कि हाँ भाई मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, कैसे? ये तो कभी भी सपना नहीं था, मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट था बौद्धों का, बौद्धों का प्रेगनेंसी टेस्ट सपने में आती है, मतलब प्रेग्नेंट। और सुनिए यहाँ देखिए ये इसको पढ़ लीजिए। तब राजा सुद्योधन, अब देखिए राजा सुद्योधन जब इस पूरे प्रकरण को देखते हैं तो उसके बाद क्या होता है ये देखिए। देखिए ये देवता आता है, ये देवता देखिए क्या कहता है। तब शुद्ध वाशाहिक देवपुत्र गगन तल पर आकर रिद्धि बल से अपना आधा शरीर दिखलाकर राजा सुद्योधन से क्या कहता है, ये कहता है, हे राजन व्रत तपस्या तथा गुणों से युक्त तीनों लोकों में पूज्य मैत्री तथा करुणा का लाभी पवित्र ज्ञान के जल से अभिषेक कर चुकने वाला महात्मा बोधिसत्व तुषितपुर से अवतार ले तुम्हारे पुत्र के रूप में महादेवी की कोख में आया है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या नाम है प्रीता बहन, चलो आपने एक सपना देखा, तो आपने सपना देखा तो आपके सपने में क्या आया ये आप जानती हैं, या और आप जिससे कहेंगे वो जानता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रही हैं कि महामाया जी ने जो स्वप्न देखा उस स्वप्न को कोई तीसरा व्यक्ति सुद्योधन को बता रहा है, और पता है क्या बता रहा है, कह रहा है साफ साफ, हे राजन व्रत तपस्या तथा गुणों से युक्त तीन लोकों में पूज्य मैत्री तथा करुणा का लाभी पवित्र ज्ञान के जल से अभिषेक कर चुकने वाला महात्मा बोधिसत्व तुषितपुर से अवतार ले तुम्हारे पुत्र के गर्भ में समाया है या आया है। तो देवता ये कह रहा है कि भाई तुषित लोक से जो है वो आकर के तुम्हारी पत्नी के गर्भ में समाया है, और ये भाई क्लेम कर रहा है ये तो सपना था सपना था सपना था, जबरदस्ती भाई सपना था तो सिर्फ रानी जानती, और रानी जिससे कहती वो जानता, ये देवता कैसे जान गया सपना, ये तीसरा आदमी सपने की बात कैसे जान गया, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आप बताइए प्रीता जी ये कौन सा साइंस है। सर ये कोई साइंस तो नहीं है। तो फिर यहाँ सपने की बात कहाँ तक सही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सपने की आड़ में इन्होंने सब कुछ लिपा पोती कर दी। नहीं हम कह रहे हैं कि चलो सपना ही महाभाग्या, हम कह रहे हैं कि चलो सपना ही मान लें, सपना ही मानते हैं थोड़ी देर के लिए, तब भी सवाल ये उठता है, तब भी सवाल ये उठता है कि भाई किसी किसी हमारे सपने का किसी थर्ड पर्सन को कैसे पता चला, मेरे पेट में कौन आया कौन गया सपने में, ये किसी तीसरे व्यक्ति को कैसे पता चला, मैं ये जानना चाहता हूं। कुशवाहा जी, कुशवाहा जी मैं स्ट्रीम लीव कर रहा हूं क्योंकि वो चला गया है, तो मेरे को टेंशन नहीं है, वो आ गया। अनिल जी बताइए आपके सपने की बात किसी तीसरे व्यक्ति को कैसे पता चलेगी। हेलो जी, हेलो बताएं, अगर वो सपना था ये बार-बार म्यूट मत करो मेरे को, मैं क्या यार बार-बार निकल के आप भाग रहे हो, कह रहे हो कि म्यूट मत करो, पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। हां म्यूट कर दे रहा हूं, म्यूट नहीं किया गया। नहीं अच्छा कोई बात नहीं, अब बोलो चलो जो भी है। पहली चीज तो ये है
कि उनका हस्बैंड था, ठीक है, और दूसरा चीज जो आप बोल रहे हो ना कि कैसे उस ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि उस उनको जिस दिन सपना आता उसके जस्ट 9 महीने बाद ही बच्चा पैदा हुआ, या फिर वो तो अकेली रह रही थी, हम उस चीज को स्ट्रेंज मान सकते हैं कि उनसे वो जब एक बंद कमरे में रह रही है या फिर कहीं ऐसे जंगल में रह रही है जहाँ पे पुरुष उनके साथ में नहीं था तो वो प्रेग्नेंट हो गई। आमतौर पर आज के टाइम पर भी जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको सपने आते हैं, ठीक है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। उन्होंने सपने का व्याख्यान किया है कि भी ऐसे ऐसे सपना आया, मुझे लगा ऐसे कि हाँ ऐसा हुआ है मेरे साथ में। उन्होंने ये नहीं कहा कि रियलिटी में हुआ है। आप लोगों ने तो क्या कान से बच्चे पैदा हो गए, आवाज से बच्चे पैदा हो गए, सूरज से बच्चे पैदा हो गए, जमीन से बच्चे पैदा हो गए, सपने में उड़ते हैं, मैं क्या करूं, सपने में उड़ते हैं ना, उड़ने वाले सपने आते हैं, तो उसका मतलब ये है कि तुम बोलो, मैं ये बोलूं कल मेरे को उड़ने का सपना आता, मैं उड़ रहा था, तो बोलो अरे तुम तो उड़ रहे थे, ऐसी बात बता, आते हैं, हल्ला मत करो, शांति से जवाब दो, कोई लड़ाई नहीं हो रही है, समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सपने आते हैं, एग्री कर रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको सपना आया तो आप अपने सपने के बारे में जिससे शेयर करेंगे सिर्फ उसे पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे सपना आने के बाद से राजा सुद्योधन को ये कौन सा व्यक्ति है, तब शुद्ध वाशायिक देवपुत्र यानी कि देवपुत्र गगन तल पर आकर रिद्धि बल से अपना आधा शरीर दिखाकर राजा सुद्योधन से कहता है कि हे राजन, व्रत तपस्या तथा गुणों से युक्त 3 लोकों में पूज्य मैत्री तथा करुणा का लाभी पवित्र ज्ञान के अभिषेक कर चुकने वाला मैंने महात्मा बोधिसत्व। सुन लो पहले इधर ध्यान से, सुन लो पहले इधर ध्यान से, सुन लिया जी, तीसरी बार बोल, नहीं सुना तुमने, सुन लिया मैंने, नहीं सुना तुमने, सुन लिया मैंने, सुन लिया भाई, इसका आंसर दो, तीसरा व्यक्ति कैसे पता चला, ये मैं क्या कह रहा हूँ सुनो मेरी बात, ये हाँ, पूरा सपने का ही वर्णन किया गया उसमें, ठीक है, सपना उन्होंने बताया होगा अपनी अपनी सखी को बताया होगा, अपनी सहेली को बताया होगा, सुद्योधन के सपने में भी नहीं, ये सुद्योधन भी सपना देख रहे थे क्या, क्या मूर्ख आदमी है यार, सबको आता है, सबको तो सपना आता है, इसमें क्या हो गया, आपको नहीं आते क्या, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हाँ यार मेरे को सांप दिखाई दिया, मेरी बात सुनो, यहाँ पे सुद्योधन में समय नहीं है, नहीं यहाँ पे नहीं लिखा, मैं आपको ये बोल रहा हूँ मेरे को सपने में सांप दिखाई दिया, यहाँ पे सुन गई गालना बजा, देख रही ना पिताजी कैसे झूठ बोल रहा है, यहाँ पे मैं साफ साफ इसको दिखा रहा हूँ, कह रहा है कि सुद्योधन भी सोए थे, उनको भी सपना आ रहा था, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जब रानी जाती है और राजा सुद्योधन को संदेशा भिजवाती है और राजा सुद्योधन आते और उनसे कहती है कि भैया मैंने सपना देखा, तो पता है ये बात सुन करके सुद्योधन थरथर थरथर कांपने लगता है, देखो क्या कह रहा है कि आज मैं जैसा शरीर मेरा भारी है वैसा रण में कुशल वीरों के आगे खड़ा होने पर भी कभी नहीं हुआ, ऐसा मुझे स्मरण नहीं, आज मैं अपने कुल गृह में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूं, मतलब ये सोए सोए अपने कुल गृह में घुसे चला जा रहा था, ये भाई साहब को देखो, इसका दिमाग देखो, क्या बैल बुद्धि हो यार तुम लोग, खुद की बारी आती है तो लीपापोती करने लगते हो, कह रहा है कि सुद्योधन के सपने में वो आधा शरीर वाला आदमी आया और बता रहा है, यहाँ पर भाई वो सपने में ही कांप रहे हैं और सपने में ही अपने गृह प्रवेश में नहीं घुस पा रहे हैं और सपने में ही रानी उठ करके आती है और सोए हुए राजा को अपनी बात बताती है, क्या आदमी है यार, क्या आदमी है, दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे पास, कुछ नहीं आता इसको यार, कैसा आदमी है, अच्छा इसके बारे में क्या कहोगे, सपना आया और ये भी चीजें, ये भी कहीं नहीं लिखा, सपने से पहले वो गर्भवती हो गई थी, गर्भवती बाद में, ऐसा कहीं नहीं लिखा, हाँ गर्भवती बाद में हुई है, सपने से पहले नहीं, इसके बारे में बता भाई, ये कौन सा साइंस है, ये पार्श्व भाग से पैदा होने वाला, चलो वो सपने, वो तो सपने की बात थी, लेकिन ये सपने में पार्श्व भाग से पैदा हुए थे, ये पत्थरों पर, ये तुम अभिलेख मानते हो, तुम पत्थर के प्रमाण मांगते हो ना, ये पत्थर के प्रमाण देखो, कर दिया, जब तुम सही आंसर नहीं करोगे, गाल बजाओगे, झूठ बोलोगे, नहीं इस बार तो तुमको सच में म्यूट किया था मैंने, क्योंकि तुम गाल बजा रहे हो, हां क्या हर बार नहीं दे रहे हो, तुम कह रहे हो आप हर बार को भी सपना आ रहा था, आप हर बार कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ अब इसका आंसर दे दे भाई, उसका आंसर तो जनता को मिल गया, उसका आंसर मिल गया जनता को, तेरे को कुछ नहीं पता, ये क्या नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, खेल कर रहा हूँ, आपका खेल समझ में आ गया मेरे को,
आपका खेल समझ में आ गया। अब आप लोग क्या कर रहे हो, एक ऐसी बुक उठा के लेके आ रहे हो जिसकी व्याख्या खुद ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से करके, उसमें तो वीडियो वगैरह भी दिखा रहे हो आप, है ना, ये क्या बोलते हैं, ये ब्राह्मण की बात है। वो अपने हिसाब से बता के, अरे इसकी तो व्याख्या ऐसे कर रखी है, इसमें तो ऐसे ऐसे लिख रखा है, ये देखो ये कैसे कर दिया, मतलब कितना झूठ बोलोगे, कितने भी तेरा फूल भी तेरा। सुन ले भैया, सुन ले वो ब्राह्मणों की व्याख्या नहीं, श्रीलंका की बुद्धों की व्याख्या, श्रीलंका की बुद्धों की व्याख्या है वो। अभी दिखाएंगे तुमको रियल पाली त्रिपिटक में दिखाएंगे, तुम काहे परेशान हो रहे हो। हां तुम कह रहे हो कि ब्राह्मणों की व्याख्या है, सुन लो, अगर वो ब्राह्मणों की व्याख्या है, अगर आपको नहीं मानना है, ना मानिए, ना मानिए, ये ब्राह्मण, ये भी ब्राह्मण तो ने बनाया है। मैं ये नहीं, मैं तो कह, एक सपने के ऊपर, मेरी बात सुनो, उसने एक ब्राह्मण ने बनाया है, मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, उसने, अरे बेवकूफ आदमी, मैं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये ब्राह्मण ने बनाया है, क्या ब्राह्मण, ब्राह्मणों के औकात नहीं है, ब्राह्मण जो अभी दिखा रहा हूं तुमको, ये फलक जो दिखा रहा हूं, क्या ये फलक, ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, ये हर जगह, पूरे भारत से लेके पाकिस्तान से लेके इंडोनेशिया से लेके अफगानिस्तान तक बुद्ध के ही मिले हैं, तो तुम्हारे ही मिले हैं, सोमनाथ मंदिर, तुम्हारे सोमनाथ मंदिर के नीचे भी 3 मंजिला बुद्ध की गुफाएं हैं, ये यही अभी 2 साल पहले ही, क्या ले ले, क्या ले ले, क्या ये तो नेट पे है भाई, ये तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का सर्वे है, उसका हेड मोदी है, पूछ ले, मोदी ने सर्वे करवाया है, मोदी ने ही सर्वे करवाया भाई, इसका आंसर नहीं दे रहा, आप सोमनाथ पहुंच गए। मैं ये कह रहा हूं कि ये तो आपके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं, अब ये भी ब्राह्मण ने बनाए हैं क्या, चलो किताबों को ना मानो, कह रहे हो कि किताबों में ब्राह्मणों ने मिलावट कर दी, क्या फलकों पर भी ब्राह्मणों ने मिलावट कर दी है, ये फलक, और अगर ये फलक भी ब्राह्मणों ने बनाए तो तुमने क्या बनाए, ब्राह्मणों की बनाई हुई चीजों को अपना कैसे कह सकते हो, जबकि सबसे पहली मूर्ति भी देखिए, सबसे पहली मूर्ति भी ब्राह्मण अशोक घोष के नेतृत्व में बनी थी, और उसी के बाद से गौतम बुद्ध की मूर्तियां बननी शुरू हुई, सब ब्राह्मणों के नेतृत्व में बनी है, तो फिर उन मूर्तियों को दिखा दिखा कर इसको प्रमाण क्यों मानते हो, और ये कह रहा है क्षत्रिय विदेशी, क्षत्रियों ने बुद्ध की मूर्ति बनाई है, उसका भी सबूत है, ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं बनाए, सुनो मेरी बात, अब ये क्षत्रिय पे आ गए, मेरी बात, मुझे इसका आंसर चाहिए, बुद्ध की मूर्तियों को देखकर ही, सुनो बुद्ध की मूर्तियों, भाई अब निकाल दूंगा इसके बाद से, अगर मुझे इसका टॉपिक डाइवर्ट करोगे निकाल दूंगा, और भी तो लोग हैं, मुझे उनसे भी चर्चा करनी है, मैं कह रहा हूं मुझे इसका आंसर दो, ये फलक किसने बनाया, और इस फलक में ये पार्श्व भाग से जन्म लेते हुए बालक को दर्शाने का क्या सेंस है, बस ये उत्तर चाहता हूं मैं इसमें कुछ गलत नहीं देख रहा, और ना ही मैं ये कह रहा हूं कि ये गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि इस फलक को बनाने वाले कौन थे, और इस फलक में पार्श्व भाग से एक बच्चे को जन्म लेता हुआ दिखाने का उद्देश्य क्या है, बस ये जानना चाहता हूं मैं, इसके अलावा कुछ भी और बोलोगे भाई तो तुमको निकाल दूंगा मैं, ये ध्यान रखना, निकालोगे अभी आपकी सच्चाई मैं सामने लाके आ रहा हूं तो अब निकालोगे, हां मेरी सच्चाई तो पता ही चल गई, सारे दर्शकों को पता चल गई, सच्चाई सामने आ रही है, पूरा देश देख रहा है, एजेंडा के तहत काम करो, किन के एजेंडा के तहत काम करो, कहां से आपको पैसे मिल रहे हैं, कौन सा एजेंडा आप चला रहे हो, ये सब यार बात नहीं कर रहा, दुनिया भर की बातें कर रहा लेकिन टॉपिक पे बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं ये फलक किसने बनाया, और इस फलक पर पार्श्व भाग से जन्म लेते हुए एक बालक को दिखाने के पीछे का साइंस बताओ, बस ये साइंस बताओ मेरे को, ये क्या है, किसने बनाया ये फलक, और इसमें एक बच्चे को पार्श्व भाग से पैदा होते हुए क्यों दिखाया गया, बुद्ध की मूर्तियों की कॉपी करके ही ब्राह्मणों ने राम, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कृष्ण की मूर्तियां बनाई, ठीक है, हाँ, ये एविडेंस है, एविडेंस के तौर पर प्रूफ हो चुकी है, ये बुद्ध ने किससे कॉपी किया है, ये इसमें क्या है यार, ये राम और कृष्ण है नहीं, इसमें ये राम और कृष्ण तो है नहीं, सुनो मेरी बात, अरे ये राम देख रहे हैं ना पिताजी, देखिए इसको यहाँ जवाब देना है कि भाई ये फलक किसने बनाए, और इस फलक में पार्श्व भाग से एक बच्चे को जन्म लेता हुआ दिखाने का क्या मतलब है, ये इस पर जवाब देने की जगह पे कह रहा है कि बौद्धों से इंस्पायर होकर के ब्राह्मणों ने अपने देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई, जबकि इसको यही नहीं पता है
कि खुद बुद्ध की जितनी मूर्तियां बनी हैं वो भी क्षत्रिय और ब्राह्मणों ने ही बनाई हैं। इवन बुद्ध की जो सबसे पहली मूर्ति बनी थी वो भी ब्राह्मण अश्वघोष के नेतृत्व में बनी थी। कुछ अता पता है इसको? इसका आंसर नहीं दे रहा। अब दूसरी तीसरी बात कर रहा है, मैं पूछ रहा हूँ ये फलक किसने बनाया और इस फलक में एक बच्चे को पार्श्व भाग से निकलते हुए दिखाने का क्या औचित्य है, क्या साइंस है? फिर से पूछ रहा हूँ, साइंस बताओ भैया इसके पीछे का लॉजिक। साइंस क्या है यार, लेडीज से बच्चा पैदा हो रहा है इसमें साइंस क्या है, नॉर्मल चीज है। पीछे से क्यों? साइंस तो उसमें उसमें ढूंढो ना, मछली के पेट से कैसे पसीने की बूंद से मछली के पेट में बच्चा पैदा है ना, उसमें साइंस ढूंढो। वो तो पाखंड है ना, उसमें साइंस ढूंढो। वो तो पाखंड है ना, वो तो पाखंड है ना। कौन सा? मैं कह रहा हूँ कि मछली से पैदा होना, पसीने से पैदा होना, आप लोग बताओगे क्या है भाई, क्या है? नहीं पाखंड है, मैं तो कह रहा हूँ जितने भी, मैं तो कह रहा हूँ वो पाखंड है। तीन मूर्ति, मैं कह रहा हूँ तीन सरों की जो मूर्तियां थी उसको उन्होंने ब्रह्मा बना दिया, उसको उन्होंने ब्रह्मा बना दिया। बुद्ध की जो, अरे भाई बुद्ध की जो, मैं कह रहा हूँ मछली से पैदा होना, मटकी से पैदा होना, इससे पैदा होना, उससे पैदा होना, सब पाखंड। मैं पूछ रहा हूँ कि ये साइंस मुझे बताओ, ये साइंस मुझे बताओ, ये पत्थर वाला साइंस है, इसमें क्या है भाई? नॉर्मल स्त्री के गर्भ से बच्चा निकल रहा है, इसमें क्या साइंस है, क्या पूछना चाह रहे हो? ये नॉर्मल स्त्री के गर्भ से गर्भ किधर होता है, गर्भ गर्भाशय किधर होता है, तू बता। किधर होता है? तू तो साइंस का आदमी ना, गर्भ किधर होता है? हां तो फिर नीचे, और उसको फोटो, उसको इमेज में दिखाना है तो उन्हें पार्श्व भाग किसे कहते हैं? नहीं पार्श्व भाग किसे कहते हैं? पार्श्व भाग किसे कहते हैं? पार्श्व भाग किसे कहते हैं? साइड वाले पार्श्व भाग से कैसे कोई पैदा होता है? वो नहीं, मैं कब कह रहा हूँ होता है, मैंने कब कहा कि हाँ होता है? दिखाया गया पार्श्व भाग से, ये पार्श्व भाग से पैदा होते क्यों दिखाया गया? अच्छा, गर्भाशय कहाँ पे होता है तू बता? पीछे होता है, पेट में होता ना है? अरे पीछे होता है, गर्भाशय, बेवकूफ कहीं का। जब अभी 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 जो ऑपरेशन से बच्चे पैदा होते हैं कहाँ से काट के निकालते हैं? पीछे से काटे से क्या यार, ये देखिए प्रीता जी कैसा मुर्गा खिला रही है, कैसा मुर्गा उठा के लाई, कह रहा है कि ऑपरेशन होता है तो पिछवाड़ा काट देते हैं। इसको पता ही नहीं है कि ये पीछे का है, उसको बताओ पहले, इसमें लिखा है कि पीछे से बच्चा आ रहा है, वो ये बताओ पहले उसको। थोड़ा ज़ूम करिए सर, स्क्रीन थोड़ा ज़ूम करिए, ज़ूम करो उस्वा जी, ज़ूम करो ज़ूम, उसमें बताओ कि इसमें लिखा है पीछे से बच्चा पैदा हो रहा है, ऐसा बताओ उसको, पता ही नहीं है। क्या आदमी है यार, ये मूर्ति में बता रहे है कि पीछे से बच्चा पैदा हो रहा है, उसको ऐसा बताओ, उसको पता ही नहीं, उसको लग रहा है कि सीजरियन करके बच्चा पैदा हो रहा है। देख लीजिए आप, देखिए आप तो एक महिला हैं, आप खुद एक स्त्री हैं, आप इसको स्पष्ट रूप से बताएं कि इसमें बच्चे का जन्म कहां से होता हुआ दर्शाया गया है? पीछे से। पीछे से, और ये कह रहा है कि बच्चा जो है वो तो गर्भाशय जो होता है वो पीछे होता है, और ऑपरेशन होता है तो पीछे से होता है। क्या आदमी है, इसने बीएससी कर रखी है, और तू बीएससी किया है अनिल, और ऑपरेशन ऑपरेशन खड़े खड़े होता है, खड़े खड़े ऑपरेशन होता है भाई, ले सर फट गया यार, नाक कटा दी तुरंत बीएससी वालों की यार। ये आया डिबेट करने के लिए, तब से हमारे ऊपर भौंके जा रहा था कि तुम्हारे यहाँ ये अब अपना देखा तो सांप सूंघ गया, इसको इतना फ्रस्ट्रेटेड है, इतना फ्रस्ट्रेशन में चला गया है कि कह रहा है कि गर्भाशय पीछे होता है और ऑपरेशन भी पीछे होता है। अच्छा ये ऑपरेशन कर रहे हैं, और ये ऑपरेशन कर दिया यहाँ पे, पर उस जमाने में ऑपरेशन होते नहीं थे ना, तो इस जमाने में होते ना, तो उस जमाने और इस जमाने को कनेक्ट क्यों कर रहा है? नहीं, उस जमाने में तो बावासीर तक का ऑपरेशन नहीं होता था, गौतम बुद्ध जी खुद कह रहे हैं कि जो बावासीर का ऑपरेशन करवाएगा उसको दुकट दोष होगा, और ये पूरा गर्भाशय का ऑपरेशन करवाने की बात कर रहा है, देख रही है ना इसकी बदमाशी यार। कुशवाहा जी, मेरे को नटराज जी से सुनना था, मजा आता है वो बोलते हैं। नहीं हम उतना नहीं बोलेंगे, और मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इस पर आपकी आस्था है, मुझे आपकी आस्था से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, अगर आप विज्ञान की बात करेंगे, तो आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि पार्श्व भाग से किसी को आपने कैसे पैदा किया। आप कह रहे हैं कि तुम्हारे किताबों में मटकी से, पसीने से, पैर से, अंगूठे से, फलाने से, ढिमका से पैदा करते हैं लोग, तो मैं यही पूछ रहा हूँ, वो तो पाखंड है, लेकिन इस साइंस को तो समझा दो, पीछे से पैदा होने वाला साइंस, इससे क्यों भाग रहे हो भैया?
सर ये बार बार चैट में लिख रहे म्यूट कर दिया, इतना तो नहीं रहा, झूठ बोल रहा है शायद। अरे भैया म्यूट कर दिया तो तेरे पास भी एक्सेस है, तू अनम्यूट हो सकता है भाई, ले अनम्यूट हो जा, जवाब दे इसका। तूने कहाँ से सीखा कि पीछे से ऑपरेशन होता है, कौन से हॉस्पिटल में देख लिया, कौन से डॉक्टर से, बता भाई। पीछे ऑपरेशन होता है, अब आवाज कटने लगी, नेटवर्क में आ जा भाई, रिचार्ज करा, क्या फंस गया गले में। अरे रिचार्ज करवा ले भाई, नेट पैक खत्म हो गया, रिचार्ज करवा ले। अरे हमारे गले में कुछ नहीं फंसा भाई, आपको फंसेगा अभी, ठीक है। अच्छा, ये साफ साफ दिख रहा है, इसमें साइड से बच्चा निकल रहा है, उसको उसको जबरदस्त उसको जबरदस्ती ये प्रूफ करने पे तुले नहीं, ये तो पीछे जा रहा है। अरे साइड से निकल रहा है भाई, पेट से दिखा रखा है ये, ठीक है। दिखाता हूँ तेरे को कहाँ लिखा हुआ है, साइड से बच्चे निकलते हैं। हाँ साइड से बच्चे निकलते हैं, नहीं वो सी सेक्ट पे लेके जा रहा है उसको, नहीं उसको सी सेक पे लेके जा रहा है वो व्यक्ति, उसको सी सेक पे लेके जा रहा है, सिलिया भी नहीं लेके खड़े खड़े क्या है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, खड़े खड़े सी सेक किसका होता है भाई। हाँ इन्होंने पूछा कि कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है, तो मैं इनको ग्रंथ दिखाना चाहता हूँ, ये ग्रंथ देख ले, हल्ला नहीं करना ठीक है, ये ले देख ले भैया, तेरी भी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ आज मैं। कह रहा है कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है, ये ले देख ले, ये तुम्हारे असुघोष जी हैं, ठीक है, और इन्होंने बुद्ध चरित लिखी मेरे थी, तुम्हारे ना है असुघोष, तुम्हारे ना है, ना 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 मेरे मेरे कहां से हो गए, किसके हैं, क्या लिखा है हमारे, क्या लिखा है बताओ, क्या लिखा है, ले लिख ले, बुद्ध चरित का चीनी अनुवाद 5वीं सदी के आरंभ में हुआ था, अतः इसके पहले अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखा था। अश्वघोष कब था, तो अश्वघोष कनिष्क के काल में था, कनिष्क कौन था, तो बुद्धिस्ट राजा, ये देख ले भाई। चीनी परंपराओं कथाओं के अनुसार अश्वघोष कनिष्क का समकालीन था और अभिधर्म की व्याख्या विभाषा का लेखक बताया जाता है, कनिष्क के राज्य काल में विभीषिका की रचना हुई थी ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अश्वघोषकृत सारिपुत्र कारणी पांडुलिपि के हस्तलेख या लिपि को देखने से पता चलता है कि यह कनिष्क या हुविष्क के समय की है, तो कम से कम इससे पता चल गया कि ये जो अश्वघोष था, ये जब त्रिपिटक लिखी गई थी उसी कालखंड में ये बुक भी लिखी गई थी, जिस बुक से अब मैं तुझे रेफरेंस दिखा रहा हूँ, यानी कि त्रिपिटक भी 1वीं शताब्दी और ये बुद्ध चरित भी 1वीं शताब्दी, और 1वीं शताब्दी के तुम्हारे ग्रंथ में क्या लिखा है ये देख लो। अपने नहीं दिखाओगे तुम लोग ना, अरे भैया तूने कहां लिखा है, अब मेरे तेरे में क्या आ गया, तूने कहा मेरे से, तूने कहा मेरे से कि मेरे किस ग्रंथ में लिखा है ये दिखा दे, तो दिखा रहा हूँ, तो धैर्य रखना मेरे भाई, धैर्य रख, काहे छटपटा रहा है, ये ले हल्ला ना कर, ये ले बुद्ध चरित्र प्रथम सर्ग भगवान का जन्म, ले भाई तू को पूछ रहा ना कहाँ लिखा है। ये ले देख पढ़ क्या लिखा है, तब पुष्य नक्षत्र प्रसव हुआ और व्रत से पवित्र हुई रानी के पार्श्व से लोक हित के लिए पुत्र उत्पन्न हुआ, रानी को ना पीड़ा हुई ना रोग, क्या लिखा है पार्श्व, अब पार्श्व के लिए भाई गूगल कर लियो, ठीक। आगे देख, जैसे ओरवा का जन्म, तू कह रहा ना कि इस तुम्हारे यहाँ ऐसे वैसे, अब एक तेरे ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, जैसे ओरवा का जन्म जांग से, तेरी किताब में लिखा है तू जांग से भी पैदा हुआ, तेरे यहाँ पृथु का हाथ से पैदा करवा रहा है तू, इंद्र तुल्य मानधाता का मस्तक से पैदा करवा रहा है तू, कांचीवान को कांख से पैदा करवा रहा है तू, वैसे ही उसका जन्म पार्श्व से हुआ था, ले ये सारे गपूड़बाजी तेरे यहाँ लिखी हुई और तू मेरे ऊपर बोल रहा था। आगे सुन, आगे क्या लिखा है, काल क्रम से गर्भ से निकलने पर वह आकाश से गिरे हुए के समान शोभित हुआ, क्योंकि वह जन्म के मार्ग से उत्पन्न नहीं हुआ था,
यहाँ साफ साफ लिखा है कि वह जन्म के मार्ग से उत्पन्न नहीं हुआ था, और तू कह रहा है कि ये तो बगल से निकाल रहे हैं, साइड से निकाल रहे हैं, ऐसे निकाल रहे हैं, वैसे निकाल रहे हैं। तू बता मेरे को, पूछ रहा था ना कहाँ लिखा है, ले लिखा है, अब जवाब दे। अब मेरी बात सुनोगे, आसो घोष कौन था, आसो घोष की जाति क्या थी? अब जाति पे आ गया। हाँ मैं क्या आसो घोष की जातिवादी व्यक्ति, ये चीज सुनो, ये मेरी बात सुनो, ये देखिए रीता जी, ये पूरा कास्ट, प्रीता जी, ये पूरा कास्टिस्ट आदमी निकला, ये तो जातिवादी है। अरे बुद्धिज्म में भी कास्ट होता है, निकला ये तो जातिवादी मानसिकता का, ऐसे जातिवादी आदमी से बात करेंगे भाग यहां से। नहीं अशोक को बुद्धिस्ट, बुद्धिज्म में भी कास्ट होता है क्या भाई? वो तो बुद्धिज्म, वो तो बुद्धिस्ट था ना, उनके यहां कास्टिस्ट कास्ट फॉलो किया जाता है। चल निकल अब, फिर मैं ना आयु तुम्हारे ऐसे जातिवादी व्यक्ति से हम बात ना करेंगे। नहीं नहीं प्रीता जी लाइए यार, वो ले आओ। नहीं 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 अब नहीं, प्रीता जी खुद आप इसको झेल पाएंगे? प्रीता जी ये आपको ज्ञान बांट रहा था कि हमारे यहाँ जातिवाद है, और अभी देखिए पोल खुली तो अब खुद ही कास्टिज्म करने लगा, देख रही है ना जी सर। और सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि ऐसा। नहीं नहीं प्रीता जी, आप बोलेंगे तो, आप बोलेंगे तो एक मौका दे देते हैं, और बताइए प्रीता जी, बताइए इसको मौका देना चाहिए ऐसे जातिवादी मानसिकता के व्यक्ति को? नहीं सर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जा भाई, जिसने तुम्हें बुलाया था उसी ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, अब जा। और अब खाली पीली को बत बोल दियो पब्लिक में कि मेरी दोस्त है, तेरे जैसे लोगों से दोस्ती कौन करना चाहेगा जिसको कुछ आता ही नहीं। फोन पे बहुत अच्छे से बात करते, एकदम पीसफुल हो जाते, तो मुझे पता होता कि ऐसा है तो मैं कभी नहीं लाती। नहीं उसका कारण क्या है, उसका कारण ये, वो साइकोलॉजिकली ये सोच रहा था कि वो जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन दाग देगा ना, हम घबरा जाएंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि ये रोज का है, ये घिसे पिटे 10-15 क्वेश्चन है यार इनके, कुछ नया भी नहीं आता अब तो। मैं तो प्रीता जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो उनको लेके आई, मैं तो बोलूंगा कि और जो हमारे दर्शक है उनको कि भाई लेके आइए, तो फिर एकदम प्रत्यक्ष हो जाता है कि इनके दिमाग में, यानी यार ओपन माइंड, थोड़ा तो ओपन माइंड रखो यार, कम ऑन, इतना एम्बैरेसिंग हो गया प्रीता जी के लिए भी, हमारे लिए भी, सुनने वालों के लिए भी, सुनाने वालों के लिए, सबके लिए एम्बैरेसिंग है।